शुभ प्रभात। मानव अधिकार दिवस पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, शत शत नमन। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन उत्कृष्टता का केंद्र नीक द्वारा ए ग्रेड प्रदत्त दो चक्रों में संस्था के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग IQAC, MPHEQIP, विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत मध्यांचल समाजशास्त्र सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार विषय मानव अधिकार और समाज में उपस्थित सभी प्रतिष्ठित विद्वजन, अतिथिगण व सम्माननीय प्राचार्य जी, प्रतिभागियों व प्रिय छात्राओं, मैं डॉक्टर नीता तिवारी, प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हृदय से स्वागत करती हूँ। अब मैं कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए हमारे संस्था के संरक्षक व प्राचार्य डॉक्टर HL अनिजवाल सर से आज्ञा चाहती हूँ। संस्था के कर्मठ व ऊर्जावान प्राचार्य डॉक्टर HL अनिजवाल सर, प्रेरणादायी पूर्व प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अनीता मनचंदिया मैडम व IQAC आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की समन्वयक डॉक्टर नीता तपन के आत्मीय सहयोग व सानिध्य में वेबिनार को प्रस्तुत करते हुए हम अभिभूत हैं। सर्वप्रथम आपके समक्ष स्वागत भाषण हेतु वेबिनार के समन्वयक समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर दिनेश चंद्र खंडेलवाल सर सादर आमंत्रित हैं। सर, मानव अधिकार दिवस पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में सर अपने आप को अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो गए। मानव अधिकार दिवस पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश चंद्र खंडेलवाल, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन, मानव अधिकार और समाज विषयक इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में सम्मिलित सभी सम्माननीय विद्वान वक्ता, अतिथियों और प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर असीम हसनन जी, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, बिजर वाटर स्टेट यूनिवर्सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका का हृदय और आत्मीयता से स्वागत करता हूं। हमारे विभाग की पूर्व अतिथि विद्वान डॉक्टर प्रज्ञा दुबे आपसे परिचित हैं। इस वेबिनार के आयोजन की योजना के समय उन्होंने आपका नाम प्रस्तावित किया। उन्होंने आपके एवं आपके पिताश्री की सरलता, सहजता एवं विद्वता की भूरी भूरी प्रशंसा की। मैंने डॉक्टर हसनन से ईमेल के माध्यम से संपर्क किया। आपने मुझसे वेबिनार की योजना की विस्तृत जानकारी मांगी। यह आपकी विनम्रता, विद्वता एवं सजगता है। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई एवं प्रेरणा मिली। पश्चात आपने आयोजन में अतिथि वक्ता का दायित्व स्वीकार किया। आपका पुनः स्वागत है। डॉक्टर संजय जी मिश्रा, प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग, एडिग्रेड यूनिवर्सिटी इथोपिया ने उनके द्वारा दिए गए विद्वतापूर्ण व्याख्यान को मैंने शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या PG कॉलेज इंदौर द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में सुना। मैं आपसे अत्यंत प्रभावित हुआ। इस वेबिनार के लिए मैंने आपसे ईमेल पर संपर्क किया। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान कर मुझे अनुग्रहित किया। मैं आपका सादर अभिनंदन करता हूँ। मानव शास्त्र के विद्वान डॉक्टर AN शर्मा, प्राध्यापक डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश भारत का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं।
आप भी मेरे विभाग की पूर्व अतिथि विद्वान डॉक्टर प्रज्ञा दुबे के गुरु हैं। आपसे संपर्क से लेकर आज तक जिस आत्मीयता से आपने इस आयोजन में सहभागिता स्वीकार की है, मैं उससे अभिभूत हूं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी सम्माननीय अतिथि वक्ताओं का विभाग, संस्था एवं व्यक्तिगत रूप से आत्मीय अभिनंदन करता हूं। आपकी उपस्थिति से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद ऑफलाइन मोड में संस्था में संभावित अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में आपका स्नेह हमें पुनः प्राप्त होगा, ऐसी आकांक्षा है। यह वेबिनार मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के सहयोग से आयोजित है। मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भारतीय समाजशास्त्र परिषद की रिसर्च कमेटी 2 परिवार विवाह और नातेदारी के संयोजक डॉक्टर महेश शुक्ला जी का स्वागत है। मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के माध्यम से आप अनेक शैक्षणिक नवाचारों का प्रयोग कर रहे हैं, अनेक विद्वतापूर्ण आयोजन कर रहे हैं, अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आपके द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। इस वेबिनार में सम्मिलित मेरे मित्र, सहपाठी एवं शोध गुरु डॉक्टर यशपाल व्यास, प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग, इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के सेमिनार के संयोजक रहे हैं। मध्य प्रदेश और भारत में समाजशास्त्र में एक प्रतिष्ठित नाम है। आपका हार्दिक स्वागत है। विभाग और संस्था के स्तर पर सहयोग के बगैर ऐसे आयोजनों की संभावना ही नहीं की जा सकती, आशा ही नहीं की जा सकती। यह वेबिनार भी संस्था के ऊर्जावान एवं प्रिय प्राचार्य डॉक्टर एच एल अनिजवाल के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आयोजित है। वह संस्था में शैक्षणिक आयोजनों के लिए प्रेरित करते हैं, नवाचार में स्वायत्तता देते हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्था की पूर्व प्राचार्य एवं रसायन शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनीता मनचंदिया जी का सहयोग मुझे सदैव उपलब्ध रहता है। आपका स्वागत है। संस्था की आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के दायित्व को तत्परतापूर्वक बहुत कुशलता से निर्वाह कर रही डॉक्टर नीता तपन, जिनके संयोजकत्व में वर्ष 2016 के द्वितीय चक्र में नेक के द्वारा इसे पुनः ए ग्रेड प्रदान किया गया, उनका हार्दिक स्वागत है। इस आयोजन के मध्य आने वाली अनेक समस्याओं को दूर करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मैं उनका स्वागत करता हूं। इस कड़ी में स्वागत करता हूं संस्था के वरिष्ठ प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हेमंत गहलोत का, जो आकस्मिक समस्याओं के निराकरण में सदैव तत्परता से सहयोग देते हैं। इससे बहुत बड़ी लगने वाली कठिनाइयां बहुत आसानी से हल हो जाती है। आपका स्वागत है। इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में सम्मिलित शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के विद्वान प्राध्यापक साथियों का हार्दिक स्वागत है। मेरे व्यक्तिगत निवेदन पर समाजशास्त्र जगत के अनेक विद्वान इस वरिष्ठ एवं वरिष्ठ प्राध्यापक इस वेबिनार में सम्मिलित हुए हैं। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वेबिनार में सम्मिलित विद्यार्थी समूह का भी स्वागत है। स्वागत की इस कड़ी के पश्चात संचालन के सूत्र पुनः संभालने के लिए मैं शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन के समाजशास्त्र विभाग की सम्माननीय प्राध्यापक साथी डॉक्टर नीता तिवारी को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू सर। अतिथियों की स्वागत परंपरा पश्चात मैं IQSE की कोऑर्डिनेटर हमारी मेधावी डॉक्टर नीता तपन को आमंत्रित करती हूं कि वे आएं और महाविद्यालय का परिचय दें। डॉक्टर नीता तपन। विवेक जी, मेरी स्लाइड्स विजिबल हैं? यस मैम, इट्स विजिबल। ओके। ग्रीटिंग्स टू ऑल फॉर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। आजादी का अमृत महोत्सव, ये प्रसंग निरंतर जारी है भारतवर्ष में,
और आजादी वो अवधारणा जो राष्ट्र से होकर समाज और संस्थाओं से होती हुई एक व्यक्ति तक आकर परिभाषित होती हैं। कर्तव्यों के निर्धारण के साथ आजादी का अर्थ जुड़ा है मूलतः अधिकारों से, और मानव अधिकार वो नैसर्गिक अधिकार जो मनुष्य को प्रकृति से मिले हैं और कुछ देश उसे देता है। इन अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन सार्वभौम है, और 10 दिसंबर को इसी सार्वभौमिक घोषणा को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाने इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज उज्जैन इज वन पायनियरिंग कॉलेज ऑफ फीमेल एजुकेशन फाउंडेड इन 1958, अ डेकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड हैज बीन स्ट्राइविंग फॉर क्वालिटी एंड एक्सीलेंस रिलेंटलेसली विथ इट्स विजन स्टेटमेंट वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहिताः। Having been accorded the status of a center for excellence by the Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh, this institution has earned an A grade by the NAC Bengaluru twice in 2004 and 2016. It is a multi-faculty college with arts, science, commerce, and home science, and post-graduation in all the disciplines. It has 8 self-financed courses and 6 research centers. The college is progressing continuously with a grant of 11 crores sanctioned under MPHEQIP by World Bank and 2 crore rupees under RUSA. This college is moving ahead on the path of development as a quality learning center. The visionary internal quality assurance cell of this college congratulates and extends best wishes to the postgraduate department of sociology for taking this initiative to celebrate the universality of the Human Rights Day on an international level. We welcome once again the chairperson of the program, our principal, Dr. H.L. Anijwal sir, and our esteemed guest speakers and all the participants. Now I hand over the program proceedings to Professor of Sociology and Webinar Organizing Committee member, Dr. Neeta Tiwari. Madam, over to you, madam. Thank you, Dr. Neeta. नमस्कार, आप सभी प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों का सादर नमस्कार करते हुए मैं विषय प्रवर्तन की ओर बढ़ती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का विषय मानवाधिकार और समाज आज मानवाधिकार दिवस पर सार्थक होने जा रहा है। उक्त विषय का चयन महत्व उपयोगिता वर्तमान समय की प्रासंगिकता है। वर्तमान समय में सर्वाधिक चर्चित विषय है मानवाधिकार, जिसे आज किसी सभ्य समाज की आधारशिला माना जाता है। मनुष्य का मनुष्य के साथ समान व्यवहार ही मानवाधिकार है। ये वे मूल अधिकार हैं जो किसी भी नागरिक के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य हैं। इनके अभाव में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास बाधक है। मानव अधिकारों का संबंध व्यक्ति की गरिमा से है एवं आत्मसम्मान का भाव जो व्यक्तिगत पहचान को रेखांकित करता है तथा मानव समाज को आगे बढ़ाता है। मानव अधिकार की रुचि तथा चिंतन का एकमात्र केंद्र मनुष्य तथा उसकी स्थिति से है। मनुष्य के बारे में चिंतन ही मानव अधिकार का विशेष क्षेत्र है। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त हैं। मानवाधिकार सार्वभौमिक रूप से संपूर्ण विश्व में लागू हैं। आंदोलन के आधार पर मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया है। इनकी रक्षा के लिए पूरे विश्व में आंदोलन चलते रहते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एवं राज्य द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के विरुद्ध गैर सरकारी संगठनों द्वारा समय समय पर आंदोलन किए जाते रहे हैं।
मानव मूल्यों की रक्षा और मानव कल्याण के लिए किए गए प्रयासों से इतिहास भरा पड़ा है। मानवाधिकार की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है, उतनी ही पुरानी जितना मानव समाज। भारतीय संस्कृति में हजारों वर्ष पूर्व मानवाधिकार को अभिव्यक्त किया था, जिसकी पुष्टि संस्कृत के इस श्लोक से होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आधुनिक वैश्विक परिवेश में मानवाधिकार में चार मर्मभूत स्वतंत्रताओं पर सर्वप्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 16 जनवरी 1941 में कांग्रेस को संबोधित अपने संदेश में विश्व घोषणा की थी, जिससे मानव अधिकार की प्रतिष्ठा को बल प्राप्त हुआ। यह चार स्वतंत्रताएं थी, वाक स्वतंत्रता, धर्म स्वतंत्रता, गरीबी से मुक्ति और भय से स्वतंत्रता। मानवाधिकार के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा को मील का पत्थर माना जाता है, जिसका मूल उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का पोषक दस्तावेज। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की। विश्व शांति के लिए यह एक महान उपलब्धि है। सन 1950 में महासभा ने प्रस्ताव पारित किया, 10 दिसंबर आज का दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस घोषणा पत्र की प्रस्तावना में मानव जाति की जन्मजात गरिमा, समान अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय तथा शांति पर बल दिया गया। भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण देन विश्व को है वसुधैव कुटुंबकम। प्राचीन धर्म ग्रंथों ऋग्वेद महाभारत में भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व बताया गया है। मनु ने अर्थशास्त्र में कानून और नागरिक अधिकारों की व्याख्या की है। भारतीय संविधान बिल 1895 में होम रूल दस्तावेज में नागरिकों के मानवाधिकार बताए गए हैं। विश्व के समस्त लिखित संविधानों में भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। भारतीय संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदत्त हैं, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। विश्व के परिप्रेक्ष्य में समस्त मानव अधिकारों को इस तरह वर्गीकृत किया जा सकता है कि प्राकृतिक अधिकार, यह बेहद महत्वपूर्ण है, जीवन का अधिकार। नैतिक अधिकार, व्यक्ति को निष्पक्षता और न्याय का अधिकार। मौलिक अधिकार, जिसके बगैर मानव का विकास नहीं हो सकता है। कानूनी अधिकार, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार राज्य द्वारा स्वीकृत किया जाता है। और अंत में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार, इन्हें प्रत्येक राज्य की प्रथा और परंपराओं अनुसार लागू किया जाता है। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व इसमें आते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर असीम हसनन, प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग, ब्रिजवाटर स्टेट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यूएसए के परिचय हेतु डॉक्टर प्रतिभा अखंड को मैं आमंत्रित करती हूं, जो प्राणी के विभागाध्यक्ष हैं और बायोटेक्नोलॉजी का विभाग उठा रही हैं। प्लीज आइए डॉक्टर प्रतिभा अखंड, परिचय दें। फॉर गिविंग मी स्पीकर, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन दिस इंटरनेशनल वेबिनार ऑन ह्यूमन राइट्स एंड सोसाइटी। वी हैव विद अस एज आवर फर्स्ट इनवाइटेड रिसोर्स पर्सन एज डॉक्टर असीम हसनैन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू सर ऑन बिहाफ ऑफ माय इंस्टीट्यूशन। Let me introduce you. Dr. Asim Hasnain is Associate Professor of Sociology at Bridgewater State University, Massachusetts, USA. He completed his PhD from UNC Chapel Hill and he has postdoctorate diploma in natural resource management from Bhopal, India. His area of interest are political sociology, cultural sociology, race, caste and African American studies. His research project engaged with modernity,
the public spheres, capitalism, the environment, and ideology. His research on majoritarian politics and indigenous social movements, comparative human rights, and Israel-Palestinian conflicts has been published in peer-reviewed journals such as Social Movement Studies, Sociologist Without Borders. He has engaged scholarship has been published in popular publications such as Scroll.in, Countercurrent.com, and the Bridgewater Review. He has extensive work experience in community organizing, natural resources management, and development. We are honored to have with the intellectual with us. We welcome you, sir. Over to you, ma'am. थैंक यू प्रतिभा. अब मैं सम्मानीय डॉक्टर असीम हसनन, प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग, ब्रिजवाटर स्टेट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यूएसए, आपको सादर आमंत्रित करती हूँ अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए. थैंक यू सो मच प्रतिभा जी और नीता जी और दिनेश जी. मैं अपना एक स्लाइड्स मैंने बनाई है, मैं उनको सामने ले आता हूँ. आप मुझे ये बताएं कि ये स्लाइड्स दिख रही हैं नहीं, तो फिर मैं अपनी बात शुरू करूं. सर नहीं दिख रही है. अच्छा, कुछ प्रोसेसिंग चल रही है उसमें. मैंने उसको शेयर किया है तो वो कह रही हैं कि प्रोसेसिंग, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ सेकंड लगे. तो मैं तब तक थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि ख़ासतौर से कॉलेज उज्जैन में है, और हालांकि मैं उज्जैन बहुत बार नहीं आया हूँ, लेकिन मैं भोपाल और इंदौर और देवास और हरदा, यहाँ मैंने बहुत समय अपने जीवन का गुजारा है, और मेरी जो सोशियोलॉजिकल समझ है वो उसकी काफ़ी ट्रेनिंग जो है, रियल लाइफ ट्रेनिंग, वो मध्य प्रदेश में हुई है. ओके, ये मुझे एरर मैसेज दे रहा है कि ये स्लाइड्स नहीं आएंगी. डजेंट मैटर, मैं ऐसी बात करूंगा, मेरे पास अपने नोट्स हैं उनसे. तो जैसा कि प्रतिभा जी ने बताया, मैं यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर हूँ सोशियोलॉजी का, और मैंने कुछ साल पहले एक पर्चा लिखा था, एक पेपर लिखा था ह्यूमन राइट्स के ऊपर, और वो उसका फोकस ये था कि विभिन्न देशों को कैसे कंपेयर किया जाए ह्यूमन राइट्स के ऊपर. और चूंकि अभी मैं नीता जी की भी बात सुन रहा था जिसमें उन्होंने अमेरिका का भी नाम लिया और भी बहुत सारे और रेफरेंसेस दिए, तो मैं ये सोच रहा था कि अपना व्याख्यान शुरू करने के पहले ये शेयर करूंगा कि बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो अमेरिका की सरकार है, उसने आज तक मानवाधिकार के जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने बनाई थी 1940 से बनाना शुरू कर दी थी, उनको आज तक रेटिफाई नहीं किया है. तो अमेरिका एक बहुत ही लाउड रोल प्ले करता है लीडरशिप का ह्यूमन राइट्स पे, पर अमेरिका ने खुद उन ट्रीटीज़ को रेटिफाई नहीं किया है, वो सिग्नेटरी नहीं है. और वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनका काफ़ी सारा दखल है अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में और वॉर में, और उन्हें डर लगता है कि अगर वो रेटिफाई कर देंगे तो कल को किसी वॉर क्राइम्स के लिए, किसी और चीज़ के लिए उनके ऊपर दबाव डाला जा सकता है, उनके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा चल सकता है. तो बहरहाल, खैर, तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो बहुत जेनरिक है आपके आपके टाइटल के साथ ही, कि ह्यूमन राइट्स और इंडियन सोसाइटी. और मैं ये सोच रहा था कि शुरू करने के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है ह्यूमन राइट्स की, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, उससे पहले कि हम और इंडिया स्पेसिफिक मुद्दों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर पाएं. तो मुझे मालूम है कि आप सभी लोग शायद स्ट्रीम यार्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बाय एक वक्त, लेकिन अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो आप टाइप कर दीजिए, चैट बॉक्स में डाल दीजिए. और मेरे पास 30 मिनट का समय है, पर मुझे लगता है कि मैं 20 मिनट बोलना चाहूँगा, और आखिर के 10 मिनट में रिजर्व रखना चाहता हूँ कि अगर किसी को कोई सवाल है या कमेंट है
और अगर आप वो चैट बॉक्स में डाल दें यूट्यूब पर या स्ट्रीम यार्ड में तो मैं उसको रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो नीता जी ने जैसा बताया कि ह्यूमन राइट्स का काफ़ी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, एंशंट हिस्ट्री है, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो सबसे पहली लिखित में रेफरेंस मिलती है राइट्स की, अधिकारों की, लोगों के अधिकारों की, वो बहुत पुरानी है। तो मैं जब रिसर्च कर रहा था इस टॉक के लिए तो मैंने ये पाया कि 539 BC में आज के ईरान पे साइरस द ग्रेट नाम के एक राजा का राज था, और उसके समय की एक पत्थर की एक वो है टैबलेट जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। तो काफ़ी लोग ये मानते हैं कि वो पहली बार ऐसा है जब लिखित में मनुष्य समाज में अधिकारों की बात की गई है। और उसके अलावा बहुत सारे और भी लिखित और ओरल ट्रेडिशंस में ह्यूमन राइट्स और मानवाधिकार के बारे में और मानवाधिकार जैसी चीज़ों के बारे में रेफरेंस मिलता है, जिसमें अनीता जी ने भारत का भी जिक्र किया। उसके अलावा ग्रीस और रोम से भी बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं कि वहाँ पर जो लोग थे वो भी लोगों के अधिकारों के ऊपर काफ़ी चिंता करते थे, उस पर चर्चा करते थे और उन पर फोकस करते थे। लेकिन अगर हम मॉडर्न समय में देखें, हम आधुनिक समय में देखना शुरू करें, तो उसकी शुरुआत आधुनिक तो नहीं कहना चाहिए स्ट्रिक्टली, लेकिन प्री मॉडर्न टाइम्स में, जैसा नीता जी ने भी रेफर किया कि मैग्ना कार्टा को माना जाता है कि ये नए सोर्सेज में, नए स्रोतों में मैग्ना कार्टा जो इंग्लैंड में पास हुआ था, लिखा गया था, उसमें उसका जिक्र है इस तरह के अधिकारों का। उसके बाद 1787 में जब अमेरिका आज़ाद हुआ ब्रिटेन की गुलामी से, तो अमरीकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट्स की बात लिखी गई कि उसमें ये कहा गया कि जो भी इंसान है उसके पास कुछ इन एलियनेबल राइट्स हैं जो ऊपर वाले ने, भगवान ने, खुदा ने या नेचर ने उसे दिए हैं, और वो कोई भी उनसे उन्हें ले नहीं सकता है। तो अगर आप इंसान हैं तो आपके पास वो अधिकार हैं। उसी तरह से बाद में 1789 में फ्रांस में जब डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम किया गया, तो वहाँ पर भी इस तरह के बहुत सारे अधिकारों का जिक्र हुआ। और बाद में 1791 में अमरीका में एक US बिल ऑफ राइट्स आया, वहाँ पर भी इसका जिक्र हुआ। तो इसमें एक बात समझने की ये है, थोड़ी सी मुझे लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है, कि इन सभी एंशेंट और मॉडर्न और प्री मॉडर्न सोर्सेज में जब ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है तो उसके में दो लेवल होते हैं। एक लेवल तो ये होता है कि हम एक मूल्य के तौर पे, एक प्रिंसिपल के तौर पे, एक वैल्यू के तौर पे इस बात के प्रति कि लोगों के अधिकार होने चाहिए मानव होने के नाते, उसमें हम अपनी हामी भरते हैं, हम उसमें अग्री करते हैं। लेकिन कई बार हम किसे मनुष्य मानते हैं ये क्लियर नहीं होता है। तो जैसे जब अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया 1787 में, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया ऑल मेन, तो ये मान लिया गया कि मेन का मतलब तो सब होना चाहिए। लेकिन 1787 में अमेरिका में गुलामी भी थी, अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को अगवा करके अफ्रीका से लाया जा रहा था, उनको गुलाम बनाया जा रहा था, स्लेवरी चल रही थी, उन्हें इंसान ही नहीं माना जाता था, उन्हें प्रॉपर्टी माना जाता था। तो वो जो ह्यूमन राइट्स का रेफरेंस है अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो काले लोगों पर, अफ्रीकन अमेरिकन समाज के लोगों के ऊपर नहीं लागू होता था। उसी तरह से औरतों के ऊपर भी नहीं लागू होता था, औरतों के पास बहुत सारे राइट्स नहीं थे। अमेरिका में तो औरतों ने वोट डालना ही अभी हाल में शुरू किया है 20वीं शताब्दी में, उसके पहले वो वोट भी नहीं डाल सकती थी। तो उसी तरह से जहां पर भी, नीता मैडम ने एक और भी वो श्लोक भी पढ़ा, मुझे पूरा श्लोक नहीं याद है, उसी तरह से फ्रेंच डिक्लेरेशन में, मैग्ना कार्टा में, इन सभी स्रोतों में जब जब मानवाधिकार का जिक्र किया जाता है तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि मानव किसे माना जा रहा है जरूरी नहीं है कि सारे मानवों के लिए हो। इन सभी स्रोतों में एक प्रॉब्लम ये है कि उन समाजों के जो सबसे पावरफुल और सबसे प्रतिष्ठित और सबसे ताकतवर लोग होते थे, मानव उन्हीं को माना जाता था। तो ग्रीस और रोम में भी बहुत पुराने समय में मानव अधिकारों की बात हुई, अधिकारों की बात हुई, लेकिन वहां पर भी औरतों और गुलामों और ऐसे तमाम मर्दों जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी ना हो उन्हें मानव नहीं माना जाता था, वो बराबर के सिटीजन नहीं होते थे। तो जो लिखा जाता था और जो किया जाता था उसमें बहुत डिफरेंस होता था। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, मुझे लगता है कि ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम पुराने स्रोतों के बारे में बात करें, कि वो पुराने स्रोत बहुत एक लिमिटेड उनकी डेफिनेशन होती है मानव की। तो बहरहाल,
तो ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स नीता मैडम ने काफ़ी अच्छे से समझा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि रिपीट करने की ज़रूरत है। लेकिन ह्यूमन राइट्स जो हैं वो आप मोटा मोटी ये समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे मोटे मोटे ब्रॉड स्टैंडर्ड्स हैं जिनके बिना लोग गरिमा के साथ अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। उसमें बराबरी है, समानता है, राइट टू फूड है, राइट टू लाइफ है, राइट टू डिग्निटी है, राइट टू हाउसिंग है, राइट टू एजुकेशन है, बहुत तरह से इस तरह की चीज़ें हैं। और पहली बार जो ह्यूमन राइट्स का मॉडर्न समय में 20वीं शताब्दी में जब पहली बार ह्यूमन राइट्स का प्रोक्लेमेशन हुआ तो वो यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में किया। और इसमें ये कहा गया कि ह्यूमन राइट एक ऐसा अधिकार है जो आपको केवल मानव हो जाने पर मिल जाता है। अगर आप मानव योनि में जन्म लिया है आपने, अगर आप मानव हैं, अगर आप होमो सेपियन हैं, तो आपके पास ह्यूमन राइट्स हैं। और इसके अलावा उसमें और कोई मतलब डेफिनेशन या डिस्कशन या डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो मानव है वो उसके पास ह्यूमन राइट्स हैं। और ये भी कहा गया UDHR 1948 में कि ये सभी लोगों के पास होना चाहिए, जो भी पर्सन है, जो भी ह्यूमन है उसके पास होना चाहिए, ये सबके पास बराबर से होना चाहिए, ये पूरी दुनिया में होना चाहिए और ये अनंत काल तक होना चाहिए। तो अगर आप मानव हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस देश में हैं, आप धरती पर कहाँ रहते हैं, कहाँ पैदा हुए, आपके पास पैदा होते साथ ही मानवाधिकार हैं और वो अनंत काल तक आपके पास रहेंगे जब तक आपका जीवन खत्म नहीं हो जाता। तो आप इंडिविजुअली आपके पास रहेंगे और मानव जाति के पास रहेंगे। और ये भी कहा गया कि ये अधिकार किसी भी व्यक्ति से किसी भी हालत में वापस नहीं लिया जा सकता। तो ह्यूमन राइट ऐसा राइट है जो वापस नहीं हो सकता। तो जैसे अमेरिका में एक कानून है यहाँ इस तरह के कि जब किसी व्यक्ति को किसी वायलेंट क्राइम में कन्विक्ट कर देते हैं, वो फेलन बन जाता है, फेलन एक शब्द है यहाँ पर, कि अगर किसी वायलेंट क्राइम में कोई दोषी पाया गया और सजा हुई तो वो फेलन हो जाता है, तो उसके बहुत सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। जैसे अमेरिका में कैदी जिनको सजा हो चुकी है वो वोट नहीं डाल सकते, उनके और भी बहुत सारे, वो लाइसेंस नहीं बनवा सकते, वो और चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन उनके मानव अधिकार वापस नहीं लिया जा सकते। उनके मानव अधिकार उनके पास रहते हैं क्योंकि वो मानव हैं, उन्होंने जुर्म किया है, उनको सजा हुई है, उन्होंने पाप किया है, लेकिन उनके अधिकार वापस नहीं लिए जा सकते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये जो 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन निकाला, इसमें करीब 30 आर्टिकल्स हैं, 30 विभिन्न आर्टिकल्स हैं, और मैं उन सबको पढ़ूंगा नहीं। आप लोग जो भी इसमें इंटरेस्टेड हों आपको पढ़ना चाहिए कि वो क्या हैं। और अलग अलग जो आर्टिकल हैं तीसों, अलग अलग चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। कोई कोई आर्टिकल जो है वो फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन के बारे में है, कोई जो आर्टिकल है वो फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर के बारे में है, जिसमें पुलिस का टॉर्चर भी शामिल है, आर्मी द्वारा जो किसी प्रिजनर ऑफ वॉर का टॉर्चर है वो भी शामिल है। कुछ उसमें राइट्स हैं जो राइट टू फेयर पब्लिक हियरिंग हैं, कि अगर आप कहीं पर दोषी पाए गए या गिरफ्तार हुए तो आपकी पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए बिल्कुल फेयरनेस के साथ। इस तरह के तमाम 30 आर्टिकल्स करीब हैं जो मानवाधिकार को के पूरे सिस्टम का पार्ट हैं। और जब 1948 में ये UDHR डिक्लेयर हुआ तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने सभी देशों से कहा कि आप अपनी सरकारें जो हैं आपकी, आप इसको रेटिफाई करें, इस ट्रीटी पर आप साइन करें। तो जब आप इस पर साइन करेंगे तो वो साइन जो है एक तरह की गारंटी है कि आप और आपकी सरकार और आपकी गवर्नमेंट और आपके कानून अब इस इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को मानेंगे और आप अपने देश के कानूनों में वो सारे परिवर्तन आपको करने पड़ेंगे जिससे कि आपके जो लोकल कानून हैं वो इस एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के कानून से के विरुद्ध ना जाएं। तो सारे देशों ने उसको साइन किया, अधिकतर देशों ने साइन कर दिया, अमेरिका ने नहीं किया। और फिर अपने कानून इस तरह से बदले कि फेयर हियरिंग होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होना चाहिए, इस तरह की बहुत चीज़ें बनाई। तो इस तरह से धीरे धीरे ह्यूमन राइट्स जो हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर से शुरू हुए और फिर वो राष्ट्रीय स्तर पर लोकल कानूनों में शामिल हुए। अच्छी बात ये है भारत के लिए, हमारे हम लोग लकी थे कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 2-3 साल के पीरियड में बना। उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसको डॉक्टर अम्बेडकर लीड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे, और उनके लीडरशिप में एक बड़े ग्रुप ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा
जिसने मैग्ना कार्टा से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, बहुत सारे जगहों से अच्छी अच्छी बातें ली। और चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले ही ये इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आ गया था, तो उन्होंने उसको भी उसमें शामिल किया। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, वो काफ़ी हद तक इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से प्रेरणा देते हैं और वो उनके ऊपर बेस्ड हैं। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ लागू हुआ, आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसमें ह्यूमन राइट्स थे, लेकिन हमारे देश में ह्यूमन राइट्स को गवर्न करने के लिए, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उनकी मॉनिटरिंग के लिए अलग से कोई बॉडी नहीं थी। तो ये बॉडी पहली बार बनी 1993 में, जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बना। तो अब आप देखिए कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, 47 में आज़ाद हुए, 50 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, लेकिन अगले 43 साल तक ह्यूमन राइट्स कैसे अप्लाई होंगे, कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, कैसे उनके वायोलेशन को कोई चैलेंज करेगा, इसके लिए कोई मैकेनिज्म हमारे पास नहीं था 43 साल तक। तो उसे ये भी पता चलता है कि हमारी सरकार एक फॉर्मल लेवल पे तो काफ़ी इन्वेस्टेड थी इस आइडिया में, लेकिन उन्होंने एक प्रैक्टिकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पर उसके लिए मैकेनिज्म्स नहीं बनाए कि हम उसको वो कर सकें। बहरहाल 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट आया और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बना। और इसके बाद अब मैं आपका थोड़ा सा ध्यान जो है ले जाना चाहता हूँ इस बैकग्राउंड टू ह्यूमन राइट्स इन इंडिया से हमारे सामाजिक संरचनाओं और प्रॉब्लम्स और इश्यूज के बारे में और चैलेंजेस के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री जानने से। और वो ये है कि आप सभी अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, व्हाट्सएप भी देखते हैं, तो उसमें आप बहुत बार सुनते रहते होंगे कि हमारे यहाँ कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे, आप भगवान न करे आपका कभी सीधा सबका पड़ा हो, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश में पुलिस किस तरह से आम लोगों से व्यवहार करती है। वो बाद में करती है, मारती पहले है, किसी को थप्पड़ मार देना, किसी को डंडे से मार देना, अगर किसी को पकड़ा है तो उसको थाने में टॉर्चर करना, थर्ड डिग्री इस्तेमाल करना, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं हमारे देश में, इसमें कोई छुपी बात नहीं है, सब चलता रहता है। हमें ये भी मालूम है कि हमारे देश में धार्मिक उन्माद जिस तरह से धीरे धीरे बढ़ता गया है, उसके चलते एक बहुत लंबी हिस्ट्री हो गई है धार्मिक दंगों की। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से लड़ते हैं, बाकायदा मारपीट करते हैं, आगजनी करते हैं, लोगों को मार देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरे धर्म के, हर धर्म को लगता है कि दूसरे धर्म का, दूसरा धर्म हमारे धर्म से बेहतर नहीं है, उनको राइट नहीं है ये करने का, उनको राइट नहीं है ये वो करने का। और उसी तरह से हमारे देश में एक बहुत लंबी हिस्ट्री है कि हमारे यहाँ सिविल लिबर्टीज जो हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसी चीज़ें या फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, वो कई बार बहुत उनके अराउंड बहुत तनाव और टेंशन रहता है। अब बहुत फ्रीली हर समय चीज़ें नहीं कर सकते। हमें मालूम है कि 2 साल के लिए हमारे देश में इमरजेंसी भी लगी थी, जब सभी सिविल और पॉलिटिकल लिबर्टीज ख़त्म कर दी गई थी। और अगर उस टाइम पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता तो शायद ही बहुत मुश्किल होता इस तरह की इमरजेंसी लगा पाना, क्योंकि कोई बॉडी उसको वो करती, रोकती और उसमें इंटरफेयर करती। दूसरी बात, मैं हमारे देश में एक ये भी है कि आप बार बार ये सुनेंगे कि जैसे ही कोई व्यक्ति राइट्स और अधिकारों की बात करता है तो बहुत सारे लोग उसको ये याद दिलाने लगते हैं कि अधिकार और राइट्स जो हैं वो वैक्यूम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियों के भी साथ आते हैं। और ये इस आर्ग्यूमेंट को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि राइट तो हैं लेकिन तभी होंगे जब आप रिस्पॉन्सिबल भी होंगे, आप जिम्मेदारी भी लेंगे, खाली आपके पास राइट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये थोड़ी एक समझने की बात है कि ह्यूमन राइट्स में, ह्यूमन राइट्स एक बहुत क्लियर प्रोक्लेमेशन है, क्लियर डिक्लेरेशन है कि अगर आप ह्यूमन हैं, अगर आप मानव हैं, अगर आप मानव जाति में पैदा हुए हैं, तो आपके पास ये 30 या ये 50 तरह के अधिकार हैं। जिम्मेदारियों का इसमें कोई जिक्र नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें चाहे ना करें, आपके पास अधिकार है। आप एक गुंडे हो सकते हैं, बदमाश हो सकते हैं, आप एक कुछ भी हो सकते हैं, आप ने बहुत कोई बुरा काम किया है, तब भी अगर आप पकड़े गए तो मानव होने के नाते आपके आपके पास मानव अधिकार हैं, और वो जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो उन मानव अधिकारों को वायलेट नहीं कर सकती। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना। हम लोग या पुलिस या नेतागण जो हैं वो एक बहुत ही अलग तरह की मानसिकता से सोचते हैं कि नहीं, इसने बुरा किया है, इसके कोई अधिकार नहीं होने चाहिए। पर ये एक थोड़ा एक तरह का एक फ्रिक्शन है, एक प्रॉब्लम, एक टेंशन है। मानवाधिकार हैं और वो लिए नहीं जा सकते, चाहे उस व्यक्ति ने कुछ भी किया हो। तो मानवाधिकार में एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब भारतीय समाज में
मैंने कुछ प्रॉब्लम्स का जिक्र किया और मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा सा बात करें, 5 मिनट इस बारे में बात करें कि भारतीय समाज की जो संरचना है उसका ऐसा फॉर्म और नेचर है कि उसकी वजह से ह्यूमन राइट्स को अप्लाई करना, उनको एम्बॉडी करना और उनको उनमें पूरी तरह से उनके अनुसार चलना सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में कई बार बहुत परेशानी होती है, टेंशन होता है। टेंशन इसलिए होता है कि हमारी सामाजिक संरचना में कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स की वजह से ह्यूमन राइट्स की जो डेफिनेशन है, जो उसका आइडियल फॉर्म है, जो उसका क्या कहना चाहिए कि फुल उसका जो वेट है वो हम कैरी नहीं कर पाते हैं। तो मैं इसके बारे में बात करने के पहले ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरी इन बातों से डिसएग्री करें और मुझे अगर कमेंट में कुछ लिख के बताएं तो मैं, मुझे अच्छा लगेगा उस पर चर्चा करना भी। जैसे हमारा देश जो है वो बहुत सारे और देशों की तरह बहुत डीपली स्ट्रेटिफाइड है, मतलब उसमें बहुत सारे लेवल्स हैं, उसमें बराबरी नहीं है, गैर बराबरी बहुत ज़्यादा है उसमें, बहुत एक तरह की एक हायरार्की है हमारे देश में, कुछ लोग ऊपर हैं कुछ लोग नीचे हैं। और दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है भारतीय समाज में कि हमारे देश में जो इंडिविजुअलिज्म है, जिसे क्या कहना चाहिए, व्यक्तिकवाद शायद कहते होंगे, मेरी, हालांकि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ लेकिन मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मैंने सोशोलॉजी हमेशा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ी, पर इंडिविजुअलिज्म जो है हमारे देश में कम है। ह्यूमन राइट्स एक इंडिविजुअल राइट है, हमारा देश जो है वो एक बहुत कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है, वहाँ पर अभी भी जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं वो ग्रुप, फैमिली या कम्युनिटी या ग्रुप के राइट्स से कई बार नीचे माने जाते हैं, उनको उतनी महत्ता नहीं दी जाती है, महत्व नहीं दिया जाता है, तो कई बार वो टेंशन होता है कि अगर आप ह्यूमन राइट अप्लाई करें तो किसी इंडिविजुअल पे होगा, लेकिन हम इंडिविजुअल को फैमिली या ग्रुप से कम इम्पॉर्टेंट मानते हैं, तो कई बार वो मुश्किलें खड़ी होती हैं। तो मेरा ये प्लान है आज कि मैं दो छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर बात करना चाहता हूँ जो खास तौर का टेंशन या एक तरह का फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं भारत में ह्यूमन राइट्स को पूरी तरह से लागू करने में, पूरी तरह से फॉलो करने में। जो पहला मुद्दा है वो है जेंडर इनइक्वालिटी का, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो पूरा वेबिनार है ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज में हो रहा है, और गर्ल्स डिग्री कॉलेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह होती हैं जहाँ पर लड़कियाँ आके अपनी इतनी हाई लेवल की एजुकेशन प्राप्त करती हैं, ख़ास तौर से ऐसे घरों की लड़कियाँ जिनके परिवार शायद उनको एक को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ना जाने दें, वहाँ जाने में उनको परेशानी हो, तो इसलिए गर्ल्स कॉलेज जैसी जगहें बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत वैल्यूबल और प्रोडक्टिव स्पेसेस हैं इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए। तो ये जो जेंडर इनइक्वालिटी का मुद्दा है ये किसी से छुपा नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ये कहने के लिए तैयार होगा या साबित कर पाएगा कि भारत में सब लोग बराबर हो गए हैं, आदमी औरत बराबर हैं, और देखिए औरतें में सब कर रही हैं औरतें बहुत कुछ, लेकिन हमारे देश में बहुत इनइक्वालिटी है जेंडर के लेवल पे, और खाली आदमी और औरत के बीच में ही नहीं बल्कि जो आदमी और औरत से परे जो और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ जेंडर्स हैं, जो जेंडर नॉन कन्फर्मिंग लोग हैं, जैसे हम अमेरिका में LGBTQ टर्म इस्तेमाल करते हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस, क्वीर, तो हम इन साथियों से भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इनको अपने बराबर नहीं मानते। तो आमतौर पर ये माना जाता है कि जो आदमी हैं, मर्द जो हैं, वो जो हैं ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा केपेबल हैं और ज़्यादा चीज़ों से, परेशानियों से डील कर सकते हैं, और औरतें नहीं कर सकती, और वो कमज़ोर हैं, और वो बराबर नहीं हैं, इस तरह के बहुत सारे बायसेस जो हैं और प्रेजुडिसेस जो हैं औरतों के और बाकी लोगों के खिलाफ हम रखते हैं, तो हम बहुत ही एक जेंडर अनइक्वल सोसाइटी हैं। और अगर आप जैसे जेंडर इनइक्वालिटी के संदर्भ में ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचिए तो आप तुरंत, आपको पता चल जाएगा कि देखिए कितने तरह के प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा पड़ोसी है कोई, एक परिवार मेरा पड़ोसी है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ ये बात, कि मेरे पड़ोस में एक परिवार रहता है जहाँ पर जो पति है वो पत्नी को आए दिन उनके साथ वो मारपीट करते हैं, और उनके पड़ोसी होने के नाते और इस जानकारी के होने के नाते मुझे ये लगता है कि उस
महिला का के भी ह्यूमन राइट्स हैं, उसके भी अधिकार हैं मनुष्य होने के नाते, और वो इस तरह से उन अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। अब अगर मैं चला जाऊं उनके घर और मैं कहूं कि आपके घर में क्या हो रहा है, मानव अधिकार तो महिला के जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं, तो मुझसे लोग क्या कहेंगे कि तुम पागल हो तुम, क्योंकि आप दूसरे के घर में इंटरफेयर कर रहे हैं, वो आपकी फैमिली नहीं है, है ना, वो उनका इंटरनल मैटर है। तो उसी तरह से अगर आप सोचिए कि जैसे मेरे कोई और पड़ोसी हैं या मेरे कोई रिश्तेदार हैं और मैं उनसे कहूं कि भाई आप अपनी लड़की को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, उसने इंटर कर लिया, वो बीए या बीएससी या बीटेक करना चाहती है, आप उसको भेजिए पढ़ने, वो जाना चाहती है लेकिन माता पिता नहीं भेजना चाहते क्योंकि कॉलेज शायद दूर है दूसरे शहर में और उन्हें परेशानी है। आप जानती हैं हमारे समाज में किस तरह से लड़कियों की मोबिलिटी को रोका जाता है पल पल रोजाना, तो वो मुझसे कहेंगे आपसे क्या लेना देना, ये हमारी बेटी है, हमें अधिकार है इसके ऊपर कि वो क्या करेगी। अगर आप यहाँ ह्यूमन राइट्स को लगाइए, ये इंडिविजुअल राइट्स को लगाइए, तो आप देखेंगे कि उस पत्नी को जिसे मार पड़ रही थी और इस लड़की को जो पढ़ना चाहती है, उसके अपने अधिकार हैं इंडिविजुअल होने के नाते, मानव होने के नाते, ह्यूमन होने के नाते। पर हमारे समाज में जहाँ इतनी जेंडर इनइक्वालिटी है और एक बहुत ही स्ट्रांग पितृसत्ता है जिसके अंदर हम जीते हैं, वहां पर उस लड़की या उस महिला को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने पति की मार खाने से अपने को बचाए या पुलिस में चली जाए या पड़ोसियों की मदद ले या वो पढ़ने के लिए बीटेक करने के लिए कहीं बाहर चली जाए। तो जेंडर के मुद्दे में हमें बहुत क्विकली दिखाई पड़ता है कि देखिए कैसे हम एक अभी भी एक बहुत ही स्ट्रांग सोशल नॉर्म्स में हमारा समाज सामाजिक संरचनाएं जो हैं फंसी हुई हैं, और जब हम उसमें ये इंडिविजुअल का राइट लगाने लगते हैं तो एकदम से एक एक फ्रिक्शन आ जाता है, एक टेंशन आ जाता है। अगर मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट करूं कि फलाना अपनी पत्नी को मार रहे हैं, तो आप क्या लगता है कि पुलिस वाले मेरी बात सुनेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे? मुझे लगता है कि वो मुझे भगा देंगे, कहेंगे आपका मामला नहीं है ये, जब वो आएंगे शिकायत करने तब कुछ होगा। तो इस तरह से मतलब एक तरह का फ्रिक्शन है, एक टेंशन है हमारे जेंडर अनइक्वल सोशल नॉर्म्स और इंडिविजुअल बेस्ड ह्यूमन राइट्स के बीच में। अब इसी में लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक ओपनिंग भी है। अगर जेंडर इनइक्वालिटी के मामले में लड़कियां, महिलाएं, लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांस, क्वीर लोग अगर ये कहें कि देखिए भाई भारतीय सरकार ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन को रेटिफाई किया है, ट्रीटी को रेटिफाई किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट्स हैं जो मुझे एक नागरिक होने के नाते या एक ह्यूमन होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मिलते हैं, तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगी, तो उनके पास वो स्पेस है। तो अगर कोई महिला या कोई लड़की वो कह दे कि नहीं अब बहुत हो गया, मैं वो करूंगी जो मेरा अधिकार है, तो कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं, वो उसको वो स्पेस भी देते हैं। तो फ्रिक्शन है, स्थिति खराब है, लेकिन साथ में ये ओपनिंग भी है, साथ में ये पॉसिबिलिटी भी है कि हम इस जेंडर इनइक्वालिटी को ब्रेक कर सकें, हम इस जेंडर इनइक्वालिटी के नॉर्म से बाहर स्टेप आउट कर सकें इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए। अब दूसरा मुद्दा जो मैं छेड़ना चाहता हूं, और मैंने ध्यान नहीं रखा कि कितना टाइम हो गया है। नीता जी क्या आप या दिनेश जी कोई बता सर आप बात कीजिए, हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं 5-7 मिनट या 10 मिनट और बात करूंगा, ठीक है? All right. तो जो दूसरा मुद्दा है वो हमारे सामाजिक संरचना से जुड़ा हुआ, वो है कास्ट सिस्टम का। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ शुरुआत में ही कि मैं जब कास्ट सिस्टम के बारे में सोचता हूँ या बोलता हूँ या कुछ पढ़ता हूँ या लिखता हूँ, तो मेरे मन में ये बहुत क्लैरिटी है कि कास्ट सिस्टम केवल भारत की बात नहीं है और कास्ट सिस्टम केवल हिंदुओं की बात नहीं है, हिंदू धर्म की बात नहीं है। कास्ट सिस्टम हमारे पूरे के पूरे दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया का एक फीचर है, एक प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है। और जो लोग, आप में से बहुत सारे लोग सोशियोलॉजी पढ़ते पढ़ाते हैं, आप जानते होंगे कि कास्ट सिस्टम की जो सेंसिबिलिटी है, जो उसके मूल्य हैं, वो इतने मजबूती से लोगों में घुस गए हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं। दक्षिण एशिया में होने में रहने वाले सभी धार्मिक ग्रुप्स के अंदर कास्ट सिस्टम है। ये जरूर सच बात है कि कास्ट सिस्टम का उदय जो है वो हिंदू समाज में हुआ, लेकिन उसको पूरी तरह से अपना लिया मुसलमानों ने, सिखों ने, क्रिश्चियंस ने और बाकी भी और सब लोगों ने जो भी हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे अब आदिवासी समाजों में भी ये देखा जा रहा है कि उनके यहाँ भी बहुत स्ट्रॉन्ग
एक हायरार्की जो है वो बन रही है जो कि कास्ट लाइक सेंसिबिलिटी फॉलो करती है। मैंने बहुत सारा समय हरदा और देवास में बिताया है काम करने के दौरान और थोड़ी रिसर्च भी करी है कोरकू और गोंड समाज के साथ, और मैंने वहाँ भी नोटिस किया, मैंने लिखा भी है उसके बारे में कि कैसे वो उन्होंने पिकअप कर लिया है। मुसलमानों में ख़ासतौर से जैसे देखिए, मुसलमानों में जो लोग अपने को बिल्कुल ऊपर मानते हैं वो कहते हैं कि हम सैयद हैं या पठान हैं या मुग़ल हैं या शेख हैं, और जो जिन लोगों को वो नीचे मानते हैं उनके वो अलग तरह के नाम देते हैं। उसी तरह से सिखों में एक जाट सिख होते हैं, दूसरे मजहबी सिख होते हैं, तो सभी हमारे धार्मिक ग्रुप्स में साउथ एशिया में कास्ट है। तो जो दूसरा मुद्दा है भारतीय सामाजिक संरचना का, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स को अप्लाई करने में और अंडरस्टैंड करने में फ्रिक्शन होता है, वो है कास्ट और कास्ट बेस्ड हायरार्की। तो हमारे यहाँ आप सभी को मालूम है कि कास्ट को लेकर क्या क्या होता है, कास्ट के अंदर शादी करनी होती है और आप जो हैं वो एक कास्ट से दूसरी कास्ट में मोबाइल होके नहीं जा सकते। कई सारे अभी भी ऐसे समूह हैं हमारे देश में जो अपनी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन छोड़कर अगर कुछ और करने लगे तो बाकी लोग उनका बहिष्कार करते हैं। ख़ासतौर से अगर दलित साथी जो हैं वो अगर अपना जो उनका ट्रेडिशनल पेशा उनके ऊपर थोप दिया गया है, जो काम थोप दिया गया है, अगर उसके छोड़ दें और कोई और काम शुरू करें तो जो बाकी सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग हैं वो उनको वापस पुल बैक करते हैं। मैं भी आपके देवास में बात कर रहा था कुछ साथियों से जिन्होंने मैनुअल स्कैवेंजिंग, सफाई, जो ड्राई लैटरिंस की सफाई करने के लिए जिन ग्रुप्स को बाध्य किया जाता है वो उनके साथ काम करते हैं, और उन्होंने बताया कि बहुत सारे समाज के लोगों ने, बाल्मीकि समाज के लोगों ने जब ये काम छोड़ा सफाई का, झाड़ू वगैरह का और गटर साफ करने का, और दूसरा काम किया, उन्होंने कोई छोटी सी परचून की दुकान खोली या कोई और काम शुरू किया, तो उनके धंधे नहीं चल पाए क्योंकि उनकी जाति बेस्ड आइडेंटिटी के बेसिस पे लोग उनसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो हमारे यहाँ कास्ट का काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। मुसलमानों में अगर आप देखें तो जो दलित समुदाय से कन्वर्ट होके लोग मुसलमान हुए इस आशा में कि इस्लाम में तो ये कहा गया है कि सब बराबर हैं, तो चलो हम अगर मुसलमान हो जाएं तो हमें बराबरी मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने वहाँ जाकर पाया कि ऐसा नहीं है। जो सैयद, पठान, मुग़ल और शेख हैं वो जो हैं वो मेहतर और भंगी और बाकी समाज से आए हुए लोगों को जो मुसलमान बन गए हैं वो उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करते। वो उस मस्जिद में तो जा सकते हैं नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन उनको पीछे या दूर खड़ा रहना पड़ेगा। वो उनकी शादियां आपस में नहीं हो सकती। तो जो लोग, उसी तरह से जो लोग क्रिश्चियन हुए दलित समाज छोड़कर, उन्होंने देखा कि कास्ट उनके साथ वहाँ भी चली गई। क्रिश्चियंस भी कास्ट सिस्टम फॉलो करते हैं और उनको बराबर नहीं समझते। तो कास्ट का हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और कास्ट का प्रॉब्लम तो और भी ज़्यादा गहरा है क्योंकि हमारे इस कास्ट बेस्ड सेंसिबिलिटी में हम किसी भी इंसान को अपने बराबर नहीं मानते। और आप लोग चूंकि सोशियोलॉजी पढ़ते पढ़ाते हैं तो आपको मालूम होगा कि जो भारतीय कास्ट सिस्टम है उसमें अनगिनत स्तर हैं। तो ऐसा ही नहीं है कि केवल चार वर्ण हैं, हर वर्ण के अंदर भी अनेकों जातियां और गोत्र हैं। अगर आप किसी भी एक वर्ण को पकड़ लीजिए, अगर आप ब्राह्मण वर्ग को पकड़ लीजिए, तो उसके अंदर भी वो ऊपर से शुरू होकर नीचे तक इतने तरह के लेवल्स हैं कि कोई भी दो लेवल अपने को बराबर नहीं मानते। उसी तरह से अगर आप ओबीसी समाज में वर्ण में देखिए, जो शूद्र वर्ण है उसके अंदर कोई अपने को नहीं मानता। यहाँ तक कि कास्ट सिस्टम में गैर बराबरी इतनी ज़्यादा है कि जो दलित समाज के लोग हैं उनमें भी लेवल्स हैं कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, हम तुम्हारे बराबर नहीं है, तुम हमसे नीचे हो, हम तुमसे तुम्हारे साथ खाना नहीं खाएंगे। तब आप ये बताइए कि ह्यूमन राइट्स जैसी चीज़ जो एक इंडिविजुअल के लेवल का राइट है, जो केवल उसके मनुष्य के होने से मिलता है, वो ऐसी एक स्ट्रॉन्ग कास्ट बेस्ड सोसाइटी में कैसे अप्लाई होगा। और कोई भी व्यक्ति जिसे हम इंसान ही मानने को तैयार नहीं है, जिसे हम बराबरी का दर्जा ही देने को तैयार नहीं है, हम कैसे एक सामाजिक तौर पर उसके लिए ह्यूमन राइट्स उसको ऑफर करेंगे और उसके साथ एक डिग्निटी का और समानता का वो करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा जेंडर इनइक्वालिटी वाले मामले में आखिर में कि यहीं पर अपॉर्चुनिटी भी है, उसी तरह से कास्ट सिस्टम के प्रॉब्लम्स में भी ह्यूमन राइट्स एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी आता है कि अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल
अंगद की तरह अपना पैर रख दे कि नहीं, ये भारतीय सरकार ने इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की जो ट्रीटी है वो रेटिफाई कर दी है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये 30 या 20 या 15 या 10 ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स हमको मिले हैं और हम उनसे लड़ने के लिए हम चले जाएंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे। तो यही राइट्स इस कास्ट बेस्ड सोसाइटी में, इस डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी में, उसको ये मौका देते हैं कि वो लड़ सकें और वो अपनी बराबरी के लिए स्ट्रगल कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो मैं यहाँ पर अपना ये रोकूंगा लेक्चर और मुझे बहुत अच्छा लगता अगर ये इंटरैक्टिव होता, जूम पे होता, लोग बात कर पाते, लेकिन अगर किसी के कोई सवाल हो तो मैं आई बी वेरी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू। थैंक यू सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है हमें बाहर की, वो हमने सब सुनी, ध्यान से सुनी और हम संजीदा हैं। सर, आपसे बातचीत करने का जो एक लोभ है वो खत्म नहीं हो रहा है। प्लीज आपसे डॉक्टर खंडेलवाल सर, सम्मानीय सर, आपसे बात करेंगे 2 मिनट और धन्यवाद भी देंगे। जी जी, डॉक्टर खंडेलवाल सर। जी सर, नमस्कार। सर, चैट में आपके लिए कोई प्रश्न नहीं है, प्रशंसा ही प्रशंसा है। सब आपके सेशन में जो उनको बहुत महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक नॉलेजेबल जानकारियां मिली है जी, उसके लिए वे आपको धन्यवाद दे रहे हैं जी। मैं यहाँ 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि आपने अपने वक्तव्य में मानवाधिकार और समाज के बहुत विविध पक्षों को बहुत ही विद्वतापूर्ण ढंग से आपने उजागर किया और विशेषकर हमारा यह अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आज बहुत उपलब्धि वाला इसलिए हो जाता है कि इसमें आपने भारतीय समाज के बहुत विविध पक्षों को छुआ है और उनको उनमें जो समस्याएं हैं उनको बहुत प्रभावशाली ढंग से आपने इसको उजागर किया है। और मैं यदि संप्रेषण के संदर्भ में, कम्युनिकेशन के संदर्भ में बात करूँ, जो आपकी चिंता का विषय था, मैं बात किया जो कहूंगा वो हिंदी में कहूँ, इंग्लिश में कहूँ, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा सर, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और आप जिस ढंग से बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं बिल्कुल वैसी ही हिंदी में हम तक आपकी बात पहुंची है और हम ये जानकर और बहुत खुश हैं कि आप देवास भरता आप इस क्षेत्र में आपने समाजशास्त्र केंद्र में बहुत कुछ सीखा है। तो आप जब भी कभी भारतवर्ष पधारे तो आप हमारे से संपर्क करें, हमें आपका स्वागत करके बहुत आत्मीय प्रसन्नता होगी और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके आराम के क्षणों में आपने हमारे लिए जो समय निकाला, हम इससे बहुत अभिभूत हैं। हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। और दिनेश जी, हालांकि ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है लेकिन मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 2 मिनट डॉक्टर मिश्रा से बस अपना परिचय कर लूं, फिर मैं चला जाऊंगा। रात बहुत हो रही है और उनकी पूरी बात सुन नहीं पाऊंगा लेकिन मुझे बहुत एक इम्पोर्टेंट बात कहनी थी उनसे, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 1 मिनट बात करूंगा डॉक्टर साहब से। संजय जी, जी नमस्कार। हम लोग की तो नहीं हुई है लेकिन मैं अभी परसों नरसों इंडियन एक्सप्रेस में वो पढ़ रहा था आर्टिकल और उसमें आपका वो इंटरव्यू के कोर्सेस पे था, इतना अच्छा लगा मुझे, मुझे तो मालूम ही नहीं थी ये बात कि किस तरह से इंडियन एकेडमिक्स जो हैं वो इथियोपिया का पूरा हायर एजुकेशन सिस्टम और इवन हिस्टोरिकली उनका मिडिल और एलिमेंट्री सिस्टम चला रहे हैं। तो मैंने आपके बारे में पढ़ा परसों नरसों एक्सप्रेस में और बल्कि मैं प्रिंट करके पढ़ रहा था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे फादर भी इस वक्त आए हुए हैं यहाँ पर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनको फिर मैंने बताया उसके बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और देखिए आपसे कभी मुलाकात करने का सौभाग्य मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, फिर हम चल रहे हैं। हमारे यहाँ 10:45 बज रहा है रात का और हालांकि मैं सोने तो नहीं जा रहा हूँ लेकिन मैं और अब और काम करने के लिए चल रहा हूँ, पर मैं बाद में पूरा वेबिनार सुनूंगा यूट्यूब। अब मैं मेरी संस्था की सम्माननीय प्राध्यापक और अर्थशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर नैन्सी चौहान जी को डॉक्टर संजय जी मिश्रा प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग एडिगेड यूनिवर्सिटी इथोपिया के परिचय हेतु आमंत्रित करता हूँ।
धन्यवाद सर, नमस्कार एंड वेरी वार्म ग्रीटिंग्स ऑन द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे टू ऑल ऑफ यू. टू मेक दिस डे इवन मोर मीनिंगफुल एंड सिग्निफिकेंट, टुडे द पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड द IQSE ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स PG कॉलेज उज्जैन आर ऑर्गेनाइजिंग ए वन डे इंटरनेशनल वेबिनार ऑन ह्यूमन राइट्स एंड सोसाइटी. It is my privilege and great honor to introduce today's second resource person, Professor Sanjay Mishra, to all of you. Professor Sanjay Mishra is a professor of sociology at Igrate University, Ethiopia. He is a researcher, teacher, public speaker, and globally read author with over 1.8 million readership at Quora.com. His teaching and research career spans over 20 years in India and Africa. He began his career in journalism and further as a public relations trainee at Dunlop India Limited, Kolkata. He served as a research assistant at the Department of Statistics and field coordinator at the Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University. He also served as a field coordinator with Bloomberg School of Public Health, John Hopkins University, USA. In 2006, he served as a researcher at Durban, South Africa. He was also as a professor for 10 years at the two most prestigious universities in Ethiopia. He is a visiting faculty at NIFT, Kangra, Himachal Pradesh, and also at Malviya Center for Research for Peace Research, Banaras Hindu University in Varanasi. Professor Sanjay Mishra has published a number of research articles in the prestigious journals of national as well as international reputations. He has participated in different conferences, seminars, workshops, and webinars with different scholars of world's repute. He has a huge composite experience in research, teaching industry, and journalism. He holds a BA honors, MA, MPhil, and PhD in sociology from the Banaras Hindu University, Varanasi. We are extremely honored to have such an academician like you with us today. Thank you very much. थैंक यू मैडम. अब में हमारे अगले सम्मानीय विशिष्ट वक्ता डॉक्टर संजय मिश्रा, प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग एडिग्रेट यूनिवर्सिटी इथोपिया के, सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना व्याख्यान दें. हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है. माइक अनम्यूट है. ठीक. हेलो हेलो आवाज. हेलो आवाज आ रही है हमारी. यस सर. हाँ ठीक है. बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पर अपनी बात रखने के लिए. और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि विभिन्न विद्वानों के साथ जब कोई बात की जाती है तो थोड़ा सा उसका असर भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि एक मतलब एक ऐसा मंच हो जहाँ पर विद्वानों के साथ रिएक्ट करने का एक मौका मिले. तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रोफेसर खंडेलवाल जी को और सभा की अध्यक्षता कर रहे
सर को और बाकी वहाँ पर जो उपस्थित विद्वान लोग हैं मेरी बात सुनने के लिए। जैसा कि मैं कहना चाहूँगा कि पहली बात तो मैडम ने बड़े अच्छे तरीके से बात को रखा मानवाधिकार के बारे में, और बाकी प्रोफेसर असीम हसनैन जी ने भी अपनी बात बड़ी अच्छे से रखी भारतीय व्यवस्था के बारे में और विश्व स्तरीय लेवल पर कैसे जो है मानवाधिकार का क्या सिचुएशन है वो बड़ा ही उन्होंने एक अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया। और दूसरी बात एक बड़ा अच्छा लगा उनका हमें, जो कि जाति के आधार पर जिस तरह से भारत में डिस्क्रिमिनेशन होता है उसकी भी उन्होंने बात एक बड़े एक अच्छे तरीके से रखी, और काफ़ी वो मतलब हम कह सकते हैं कि वो बड़ा ही एनालिटिकल था, बड़ा ही मतलब उसमें प्रैक्टिकेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी, तो जो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन हम ये देखना चाहेंगे कि मानवाधिकार हम जैसा समझते हैं कि क्या वो वैसा उसका स्वरूप होता है कि नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा जहाँ तक, चूँकि मेरा टीचिंग का रिसर्च का काफ़ी समय जो है अफ्रीका में बीता है, अभी भी मैं अफ्रीका के साथ हूँ, मेरा अपना जो काम करने का जो क्षेत्र रहा है, तो मैं वहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ों को मैं उसमें से ज़रूर लेता रहा हूँ, लिया हूँ और अभी भी ले रहा हूँ। तो एक बात आती है जहाँ तक मानवाधिकार की, तो क्या मानवाधिकार के बारे में जो हम बात सोचते हैं जो करते हैं कहाँ तक वो प्रासंगिक है, कहाँ तक उसकी व्यवहारिकता है, कहाँ तक उसकी उपयोगिता है, इसको भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि संविधान या जो यूएन यूनाइटेड नेशंस का जो डिक्लेरेशन आया वो तो बहुत लेट आया, 1948 में आया, उन मतलब यूनाइटेड नेशंस बनने के बाद आया, या तो मैग्ना कार्टा आया वो भी जो है मतलब 1000 सदी के 1200 कुछ में आसपास में आया, या उसके पहले ग्रीक लोगों ने बात की है, जैसा कि प्रोफेसर हसनैन ने बात किया कि हमको एक ईरान में कहीं मिलता है कि कुछ मानवाधिकार के बारे में। तो क्या ऐसा है कि ऐसा तो नहीं कि मानव की सभ्यता केवल जो उस समय के पहले से ही 500 वर्ष पहले से ही था, ऐसा तो नहीं दिखता। ऐसा दिखता है कि कम से कम अगर हम होमो सेपियन की बात करते हैं तो 70,000 वर्ष पुराना तो हमारे सामने एक लंबा चौड़ा बैकग्राउंड मिलता है, और उसके बाद अगर हम और अच्छे से देखने की बात करते हैं जहाँ तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हम सोच रहे हैं, तो उसमें भी हमको लगता है कि कम से कम 6,000 वर्ष पहले के आसपास जो अभी जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री आ रहे हैं कुछ प्रमाणों के आधार पर, अब उसकी थोड़ी सी क्या और ज़रूरत करने की और रिसर्च करने की ज़रूरत है उस पर, अवश्य मैं मानता हूँ उसको, क्योंकि अभी वो एकेडमिक के मेन लाइन में नहीं आया हुआ है। तो क्या मानवाधिकार संविधान नहीं था, या मैग्ना कार्टा नहीं था, या ग्रीक नहीं थे, या रोमन सिविलाइजेशन की बात नहीं होती थी, या ईरान की बात नहीं हुई, क्या उसके पहले नहीं था? ऐसा नहीं है, उसके पहले भी अवश्य था। जैसा कि अभी इस संवाद के लिए जब मैं एक छोटा सा कुछ शोध करने की कोशिश की तो मुझे ऋग्वेद का एक मंत्र मिलता है जिसमें कि बड़ी अच्छी बात कही गई है, जो कि ऋग्वेद जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि आधुनिक जो विद्वान हैं कुछ 1000 कोई 1000 वर्ष पुराना मानता है, कोई 2000 वर्ष पुराना मानता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये अभी तक किसी भी सिविलाइजेशन में जो भी रिसर्च किए गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन मिलता है किताब के फार्म में, ये शायद सबसे पुराना है जो हमारे पास उपलब्ध स्रोत हैं, जो हमारे पास जानकारियां अभी आ रही हैं, जहाँ तक हम जिनको कि विश्वसनीय मान सकते हैं। तो ये तो माना ही जाता है कि अगर हम इसके तारीखी विवाद में ना जाएं तो कम से कम ये है कि पुराना तो है जैसा भी है, क्योंकि अगर हम तारीख में जाते हैं तो जैसे कि मान लीजिए कि हम पाश्चात्य समाज को लेकर चलते हैं तो मान लीजिए कि जेविश सिविलाइजेशन है, क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम है, तो कम से कम ये तो लगता है कि मतलब क्रिश्चियनिटी का दायरा 2000 वर्ष है, या इस्लाम का दायरा 1400-1500 वर्ष है, या उसके पहले हम अब्राहम से ले लेते हैं तो वो बहुत पुराना नहीं मिलता। पूरा क्रिश्चियनिटी का अगर हम देखेंगे कि पूरी हिस्ट्री जो है जैसे कि 6000 वर्ष के आसपास ही मिल पाती है, कि अगर हम उसको
तारीख से लेके चलते हैं तो एडम से आता है अब्राहम, अब्राहम से मोजेस और मोजेस से जीसस, जीसस से प्रोफेट। तो एक पूरा लगभग 6000 वर्ष के ऊपर नहीं आता, उतना ही आ पाता है, मैक्सिमम उतना मैं कह रहा हूँ। तो जो बेसिक है उसका, वो इसके उसके इधर नहीं जाता। तो अगर हम भारतीय कॉन्टेक्स्ट में जब लेके आते हैं पहले, तो हम ये देखते हैं कि भारत में क्या स्थिति रही है। संविधान तो ऐसा संविधान तो नहीं था जैसा हमारे पास आज है, लेकिन संविधान था, संविधान जैसा कुछ था, या तो कोडिफाइड था या कोडिफाइड नहीं था। जहाँ तक कोडिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो मुझे जो लगता है कि मनुस्मृति जो है वो सबसे पुरानी कोडिफाइड बुक मिलती है संविधान के अगर स्तर पर देखा जाए तो, कि जो कि उसमें कोड ऑफ कंडक्ट की बात मिलती है। हम उसमें कंट्राडिक्शन के बारे में ना जाएं अगर एक बार, कि जो उसके महिलाओं के बारे में क्या है या और बाकी लोगों के बारे में जो विवादित चीज़ें हैं, अगर उनको थोड़ा सा हम एक साइड में करें, लेकिन जो उसकी अच्छी बातें आती हैं उसमें ये आती हैं कि कम से कम मानव का जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, किसके प्रति क्या होना चाहिए, या राजा का या बाकी लोगों का या प्रजा का या पति का, पत्नी का, स्त्री का, वो उसमें लिखा हुआ है कि महिला को विवाहित होने का, नहीं विवाहित होने का, या उसके पति के संपत्ति में क्या शेयर होना चाहिए, पिता के संपत्ति में क्या शेयर होना चाहिए, इस तरह की बातें उसमें हम देखते हैं कि मिलती हैं। लेकिन अगर हम उससे भी पहले जाते हैं, जैसे कि हमने कहा कि ऋग्वेद जो है, हम अभी भी मानते हैं, ये निर्विवाद है कि पूरी दुनिया के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हैं और मानते भी हैं कि भाई ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना ग्रंथ है अभी तक। तो इसमें मैंने जब देखा तो मुझे एक श्लोक मैं यहाँ कहना चाहूँगा जो कि बड़ा ही समीचीन है और उसकी प्रासंगिकता आज और भी बढ़ रही है। ये मुझे हैरान कर देने वाली बात है कि जब हम बहुत आगे निकल चुके हैं सभ्यता, अगर हम देखें तो 2500 वर्ष पहले और अब की तुलना में हम कंपेयर करते हैं तो हमारा आज का जो मानव का विकास वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। हम जिस चांद को लोग पूजा करते थे या जहाँ पर हम परिकल्पना करते थे उसके काफ़ी ऊपर लोग जा चुके हैं वहाँ पर, और निश्चित रूप से सभ्यता जो है अपने पिनेकल पर है, अपने टॉप पर है, और उसमें कोई संदेह की बात नहीं है, और काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है नो डाउट उसमें जो है, हर क्षेत्र में, हर दिशा में। तो ऋग्वेद के मंत्र की मैं बात करना चाहूँगा वो यह है कि धृते दृहम माँ मित्रस्य माँ चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षताम, मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे। यह यजुर्वेद का 36 और 36 जो उसका है चैप्टर और 18वां श्लोक है ये। तो उसमें ये आता है, उसमें ये कहने की बात करते हैं कि लेट माई आई व्यू फॉर्म इन ऑर्डर दैट ऑल क्रिएचर्स मे लुक एट मी फ्रेंडली साइट, कि हम एंड द अदर पार्ट ऑफ दिस इज इन द सेम वे आई ऑल्सो मे लुक ऑल क्रिएचर्स विथ फ्रेंडली साइट एंड ऑल ऑफ अस क्रिएचर्स मे सी ईच अदर फ्रेंडली, कि हम सभी को, सभी क्रिएचर की बात हो रही है, मानव की बात नहीं हो रही इसमें, इस श्लोक की बात हो रही है कि हम जितने भी क्रिएचर हैं हम सभी क्रिएचर के ऊपर मित्रवत देखें और वो भी हमारे ऊपर मित्रवत देखें और हमारे साथ एक 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 हारमोनियस एक रिलेशनशिप हो। हम उससे जब देखेंगे तो उससे जो है क्या है कि एक एक जुड़ाव की भावना आएगी, जुड़ाव की भावना इन द सेंस कि अगर हम किसी का केयर करते हैं, जैसे पौधा है, वृक्ष है, या हम हैं, मनुष्य है, जानवर है, जानवर या कोई भी चीज़ है जिसके साथ हमारा एक सोशल इकोलॉजी में जो संबंध बनता है, तो उससे जो है काफ़ी एक जुड़ाव की बात आती है और वो अधिकार जैसा हो जाता है वहाँ पर, कि अगर हम किसी का ध्यान देते हैं तो कोई हमारा भी ध्यान देगा। ये एक कंपैशन है कि जहाँ पर एक फीलिंग है, एक भावना है, परंतु उसमें एक सहभागिता है। तो इससे जो है एक मतलब पेड़ों से, जंगल से, मनुष्य से या बाकी चीज़ों से जब जुड़ेंगे हम तो तभी हम हारमोनी की बात कर पाएंगे। अगर हम जैसे कि एक
कहने का हमारा जो उद्देश्य यहाँ पर ये है कि अगर हम मछली को देखना चाहते हैं तो मछली को हमें पानी के साथ देखना पड़ेगा, तब तो हमें बात समझ में आएगी। क्योंकि मछली जो है उसको एक होलिस्टिक रूप में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तभी हमें मछली की बात पूरी तरह से समझ में आएगी कि अगर मछली है तो पानी भी है, और पानी भी है तो एक तालाब भी है, और बाकी तालाब का रिलेशन कैसे हो सकता है जिसे इकोलॉजिकल संदर्भ में हम समझेंगे कि वहां पर पेड़ है, वृक्ष है, बारिश है, तो तालाब का अस्तित्व है, और तालाब का अस्तित्व है तो पानी का अस्तित्व है, पानी का अस्तित्व है तो मछली का अस्तित्व है, और इससे एक जुड़ी हुई एक चेन बन रही है। तो उसी तरीके से अगर हम मानवाधिकार की बात करते हैं तो हम इस पूरे सेटअप से जो कि हमारा एक भूमंडल है, एक जिसको हम ज्योग्राफिकल टर्म में समझने की कोशिश करते हैं, एक एम्बियंस है या एक इन्वायरमेंटल संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं तो और क्लियर हो जाता है कि मनुष्य केवल मनुष्य नहीं है, मनुष्य के साथ जुड़ी हुई और भी चीजें हैं, जिसमें कि उसको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन के लिए पेड़ चाहिए, अब पेड़ के लिए क्या चाहिए, अब उसको भोजन चाहिए, भोजन के लिए एक दूसरे तरीके का मतलब छोटे साइज का पौधा चाहिए, अब छोटे साइज के पौधे के लिए क्या चाहिए, तो उसमें भी खर है, पतवार है, बहुत सी चीजें हैं, वो सारी चीजों का एक समायोजन है, एक उसका एक सामंजस्य है, इकोलॉजी है हर चीजों की। उस इकोलॉजी को हम समझेंगे तभी हम उसके बारे में समझ पाएंगे, अन्यथा ये बात हमारी समझ में नहीं आएगी। हम मानवाधिकार के बारे में केवल बैठ करके एक टेबल पर सारे मनुष्य अगर मिल के बात करें तो वो बात कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य का सर्वाइवल ही दूसरे के ऊपर है, दूसरे के साथ है, यानी कि दूसरे का सेंस हमारे कहने का मतलब ये है कि पेड़ है, पौधा है, जंगल है, जमीन है, और जो भी उससे जुड़ी हुई चीज है इकोलॉजी की, उस सारा उसका पार्ट है और वो उसका पार्ट है, मनुष्य को हम उससे अलग नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमको मानवाधिकार की बात समझनी है तो हमको दूसरों लोगों के अधिकारों की भी बातों की चिंता करनी पड़ेगी या करना चाहिए। जैसा कि एक हम और जब आगे बढ़ते हैं ऋग्वेद के बाद जब देखते हैं तो हमको और उसमें कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि याज्ञवल्क संहिता है या मनुस्मृति की हमने बात करी, मनुस्मृति में आता है कि धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धरी विद्या सत्य सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, कि धर्म के 10 लक्षण हैं, धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी न करना, स्वच्छता, इंद्रिय निग्रह या इंद्रियों पर नियंत्रण करना, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना। ये बात आ रही है कहाँ से, ये आ रही है मनुस्मृति से आ रही है। दूसरी चीज है एक और इससे संदर्भित मैं एक बात करना रखना चाहूंगा यहाँ पर, वो आता है याज्ञवल्क से, जिसमें ये लिखा गया है कि अहिंसा सत्यम स्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह दानम दमोदया शांति सर्वेशाम धर्म साधनम, कि ये धर्म के 9 लक्षण इन्होंने बताया कि ये धर्म वही लगभग वही चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है शांति की एक एडिशनल जुड़ाव है, उसमें शांति की बात आती है। तो अगर हमारे पास जब संविधान नहीं था और हम इन चीजों को समझ रहे थे तो हमारा समाज बड़े अच्छे से चल रहा था। आप कैलकुलेट करिए कि आज के लगभग 200 वर्ष पहले या 1000 वर्ष पहले हमारे टोटल जमीन का कितना हिस्सा पेड़ था, कितना हिस्सा जंगल था, कितना हिस्सा पानी था, कितना हिस्सा पहाड़ था और कितना हिस्सा में आबादी रहती थी। अगर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं तो ये रेशियो घटता जाता है, घटता जाता है। जैसा कि हम तमाम जो विद्वानों की बात करते हैं, खास करके कॉलोनियल टाइम में पीटर गिडिस का आता है कि जो कि इन्वायरमेंट की बात करें हैं, और का शायद मुझे लगता है कि इंदौर शहर के आर्किटेक्ट वही रहे हैं, उसका पूरा प्लानिंग करने वाले, तो जिसमें उन्होंने ये बताया, भारत में उन्होंने लंबा समय दिया, काफ़ी अच्छा काम किया यहाँ पर शहरों के बारे में कि जमीन का कितना हिस्सा कहाँ कहाँ होना चाहिए। तो जब अगर ये मिसमैच हमारा इन्वायरमेंट के साथ होगा, हमारे अगल बगल के एम्बियंस के साथ हमारा मिसमैच होगा तो हमारे में भी मिसमैच होगा। अगर हम अंदर से अशांत हैं तो बाहर से हम दूसरे के साथ शांति नहीं रख पाएंगे। ये तो एक बहुत अच्छी समझने की बात है, क्योंकि मैं इसके मूलभूत में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसमें मेरी ये पूरी मैं चाहता हूँ कि जो विद्वान कह चुके हैं उनकी बातों को हम संदर्भित करते हुए और एक नए तरीके से रखें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें कह दी गई हैं तो हमें एक नया एंगल लेना पड़ रहा, नया एक तरीके से देखने की कोशिश करनी पड़ रही है। तो अगर हम
इसकी बात करते हैं तो हमें इन चीजों को लेकर चलना ही पड़ेगा। और हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जब कानून, संविधान या मनुस्मृति, जैसा मैंने कहा कि एक कोडिफाइड बुक मिलता है कि जिसमें कुछ राइट की, अधिकार की, पत्नी, पिता और बाकी लोगों के बारे में, दास के बारे में या समाज के बारे में आती है कोडिफाइड, तो उस समय तक समाज कैसे चल रहा था, क्या उसमें समरसता थी, तो और क्या उसका प्रबंधन था। तो अब इसके बारे में देखिए ज़्यादा तो उतना नहीं मिल पाता है जैसे कि हम जिसको आधुनिक तरीके से उसको हम इस्टेब्लिश कर पाएँ, लेकिन ये मिलता है कि जो बातें हमने यहाँ से अभी उद्धृत किया है उसको देख करके ये लगता है कि इनसे जो है विरोधाभास न बढ़ करके एक कुछ हद तक एक सामंजस्य की स्थिति बननी चाहिए। और अगर सामंजस्य की स्थिति बनती है तो हमें नहीं लगता कि कहीं से मानवाधिकार के हनन की बात आएगी। अगर हम किसी के साथ दया करते हैं, किसी के साथ अगर हम क्षमा करते हैं, या किसी के साथ हम शांति स्थापित करने की कोशिश करते हैं, या चोरी न करने की बात करते हैं, या अपरिग्रह की बात करते हैं, या अस्तेय की बात करते हैं, या अन्य विद्या का, सत्य का, इन सब चीज़ों को सहारा अगर हम लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि इससे कहीं से किसी के साथ कंट्रडिक्शन की बात आनी चाहिए। बल्कि वो हमेशा जो है कहीं कहीं से, अगर जैसे मान लीजिए कि सत्य की अगर हम बात करते हैं तो सत्य का मतलब ये नहीं होगा कि सत्य केवल बोलने से हो गया, सत्य का एक आचरण भी होता है कि जो सही है, जो उचित है, उसी को करना और उसी से संबंध रखना। तो अगर सत्य ये है कि भाई हम किसी दूसरे का हनन करते हैं, दूसरे के अधिकार का, या दूसरे के ऊपर हम अतिक्रमण करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो होगा वो हारमोनी बिगड़ेगा, उससे हारमोनी बिगड़ने की बात आएगी और फिर उससे कहीं कहीं से हमें असुविधा आएगी और हम फिर वो डिरेलमेंट हो जाएगा, सिस्टम जो है वहां से कहीं कहीं से उसमें एक अनवांटेड होने लगेगा। तो अगर हम बात करते हैं उसके बाद से बात करते हैं, जहां तक डॉक्टर साहब तो आगे की आधुनिक बातों को बता ही गए हैं काफी हद तक, तो ये देखा गया कि ह्यूमन राइट्स का जो कंसेप्ट है वो नेचुरल है। हर मनुष्य को जो अधिकार एक मनुष्य होने के नाते मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक मछली का अधिकार होता है कि उसको पानी में रहने का है, एक सांप का अधिकार है उसको जंगल में रहने का है, या ह्यूमन इंटरवेंशन जहां पर, जैसे लायन का एक अधिकार है कि लायन को भी वहां रहना है, गाय का भी अधिकार है, जानवर का भी अधिकार है। क्योंकि जैसा अगर हम गांधी जी की बात, गांधी को भी लाना पड़ेगा इस मामलों में, क्योंकि उनका जो ट्रस्टीशिप वाला जो मामला है वो बड़ा ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि हम इस तरह से समझ सकते हैं कि पूरी पृथ्वी एक ट्रस्ट है और जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, मनुष्य हैं, जो भी हैं, चाहे वो क्रीपर हो, रेप्टाइल हो, चाहे पेड़ हो, जानवर हो, मनुष्य हो, चाहे वो गरीब हो, नंगा हो, भूखा हो, जैसा भी है, वो सारे लोग उसके मेंबर हैं, उस ट्रस्ट के मेंबर सारे लोग हैं, सभी लोग हैं, और सभी लोगों की वो एक ज्वाइंट संपत्ति है या ज्वाइंट विरासत है, या इस रूप में देखें उसको कि को पैसेंजर, सारे लोग उस पर शामिल होते हैं। जैसा कि इस तरह की चीज़ों को हम और भी ले सकते हैं, जैसे कि नूह की जो नाव थी उस पर पेयर पेयर में सारी चीज़ों को रखा गया, जिससे कि दोबारा सृष्टि की तरफ जा सके चीज़ों को। तो हमको क्या है कि अपने अधिकार के साथ साथ दूसरों के अधिकारों की भी बात करेंगे, उसमें कोई क्रिएचर है, जैसा कि हम आपको ऋग्वेद का जिस मंत्र से मैंने उदाहरण दिया था उसमें मनुष्य की बात नहीं आती, क्रिएचर की बात आती है कि कोई भी क्रिएचर है, वो चाहे अगर कुछ भी है तो उसके अधिकार की बात आती है, उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन की बात आती है। अब आधुनिक में हम अगर आते हैं तो ये तो काफी इस पर चर्चा हो चुकी है और डॉक्टर साहब ने बड़े डिटेल से बताया, प्रोफेसर असीम जी ने, तो उसमें हम ज्यादा नहीं कुछ बोलने का इसको देख पा रहे हैं अपने लिए। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं से जो हम ये जब आते हैं प्राचीन में, जैसे मान लीजिए कि 2000 वर्ष पहले या 2500 वर्ष पहले, या भारतीय सब कॉन्टिनेंट की स्थिति क्या रही है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जातियां जो हैं केवल साउथ एशिया में या एशियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं। लेकिन मैं यहां पर एक बात ये कहना चाहूँगा कि भारतीय सब कॉन्टिनेंट में जहां तक रहा है, मैं तो देख पा रहा हूं, वर्ण व्यवस्था तो रही है, वर्ण व्यवस्था का मिलता है वहां पर काफ़ी, कि चार वर्ण हैं, वो गीता में भी आता है कि चतुर्वर्ण के बारे में आता है कि मया सृष्ट्वा, तो उसमें जो चार वर्णें थी वो चार वर्णों का एक ऑर्गेनाइज्ड स्वरूप था, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चार आश्रम थे, चार वर्ण थे, उन मिलकर के चार वर्णाश्रम बने थे, मैनमेड व्यवस्था थी वो।
अच्छा, लेकिन जहां तक जाति शब्द का हम लेके आते हैं, तो ये जो जो जाति शब्द है, ये कास्ट, जो कि कास्टा एक पुर्तगीज शब्द से निकल के आया हुआ है, ये भारत का अपना ओरिजिनल आइडियोलॉजी नहीं है ये। और वर्ण तो है, वर्ण के बारे में तो वर्ण अपने हिसाब से चले उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अलग ही एक दूसरा चैप्टर हो जाएगा। लेकिन अगर हम भारतीय समाज में जितना सेग्रीगेशन हम देखते हैं, जितना जैसे छोटे छोटे क्यूब देखते हैं या छोटे छोटे और चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि सेल का निर्माण हो गया, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अलग अलग कास्ट है, बहुत बड़ी समस्या है भारत की, इसको मैं डिनाई नहीं करता हूँ। और एक मैंने इस पर एक एक, एक, एक आर्टिकल लिखी थी काफ़ी पहले, पैंडोरा बॉक्स के रूप में, कि ये कभी अंत ही नहीं करता। अगर हम जाति को छूना छेड़ने की कोशिश करते हैं तो इसमें इसका कोई हम सिर या लास्ट इसका पता नहीं चलता कि कहां से क्या है। तो भारत के संदर्भ में जब हम आते हैं, तो उस समय तक तो हमें लगता है कि रिलीजियस डेमोक्रेसी की बात बहुत ज्यादा मिलती है, कि कौन किस धर्म को मान, पहली बात तो धर्म जो अभी हमने मनुस्मृति का या याज्ञवल्क्य की बात से लिया है, वो ये धर्म नहीं है। जिस तरह के धर्म हम आज लेते हैं, हिंदुइज्म लेते हैं, क्रिश्चियनिटी लेते हैं, इस्लाम लेते हैं, जेविश लेते हैं, सिखिज्म लेते हैं, वो तरह का नहीं है। मैं आज जो अपने इस संवाद में मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ इस अपने परिचर्चा में, उसमें भी मैं वही अर्थ ले रहा हूँ जो कि मैं याज्ञवल्क्य स्मृति से और मनुस्मृति से लिया है या ऋग्वेद से लिया है। ये आधुनिक धर्म की बात मैं नहीं करता है कि जो कि बहुत ही रिजिड है, बड़ा ही एडमेंट है, उसके बड़े कठोर रूल हैं एकदम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरह से, कि भाई यही किताब सही है, यही गॉड सही है, यही सिद्धांत सही है, उसको मैं नहीं मानता। वो दूसरी चीज़ हो गई, वो बहस अलग चला जाएगा। वो इसमें जो मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि धर्म एक समाज के प्रति है, पिता पत्नी, पिता पुत्र, पत्नी पति, सर्वेंट ओनर या मैनेजर, स्टाफ या टीचर, स्टूडेंट, या समाज के प्रति, जैसे हम घर के पड़ोसी के साथ, सबके साथ। तो अगर हम इन चीज़ों को मान के चलते हैं, तो हमें लगता है कि ये बहुत हद तक कहीं न कहीं से समाज को संचालन करने में मदद करते हैं और कर रहे हैं, और वायोलेट करने से हमको रोकते हैं। अगर हम क्रोध नहीं करते हैं, अगर हम सबके प्रति दया बरतते हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे आदमी हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, संप्रदाय का हो, तो अपने आप में ये बात चलती है। और उसमें कहीं से हमें लगता है कि ऐसा चीज़ नहीं आता है कि जिससे कि किसी का आहत हो या कोई भावना का या तकलीफ की बात आए। तो अब जैसे अभी हमें इसी संदर्भ में एक करंट एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जिस पर मैंने कोरा पर काफ़ी उस पर लिखा था, लंबा चला था, और अभी कल परसों में मेरे साथ एक जैन को लेकर के कुछ आइडियोलॉजिकल एक डिबेट था, मैंने उनको समझाया अच्छे से बातों को, उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने मेरी बातों को मुझे धन्यवाद दिया। एक लंबा थ्रेड चला डिस्कशन का उस पर। तो जैसे कि अभी अंडमान में जो सेंटिनल है, एक जगह सेंटिनली जो वहाँ पर एक ट्राइब रहते हैं, वो लोग बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं, तो उनको एक मिशनरी का आदमी जाके बताने गया कि भाई गॉड होते हैं, उनकी ये किताब होती है, उनका ये मैसेज होता है, उसको मानोगे तो तुमको ह्यूमन मिल जाएगा। उनको मना किया लोगों ने कि भाई आप वहाँ मत जाइए, और वो लोग जो है मनुष्य के संपर्क को अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि आधुनिक मनुष्य जो है जहाँ भी जाता है वो कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करता है, या तो उसको ये लगता है कि हम अपनी भी आधुनिक मनुष्य में, मैं अपने को भी रख रहा हूँ, सबको रख रहा हूँ, तो उसको हमें या ये लगता है कि जो पुराना आदमी है वो नंगा है, जंगल में रह रहा है, उसके पैर में चप्पल नहीं है, उसके सिर पे टोपी नहीं है, बदन पर कपड़े नहीं है, उसका खाना प्लेट में नहीं है, और उसके साथ चम्मच नहीं है, फोर्क नहीं है, कांटे नहीं है, तो उसके खाने में अलग अलग छोटी छोटी कटोरियाँ नहीं है, तो उसका खाना गलत है, उसका खाने का तरीका गलत है, और वो अनसिविलाइज्ड है, ऐसी सोच हम रखते हैं। तो इसी तरह की सोच के साथ जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सेंटिनल जो कि अंडमान में है, और तो वहां पर वो इनकाउंटर मतलब उनके सब सामना हुआ, तो उसने उसको मार दिया, उस ट्राइब लोगों ने उस व्यक्ति को मार दिया, जान से मार दिया, और बाद में न्यूज बना, पूरी दुनिया में न्यूज बना, ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, साल दो साल पहले की घटना है। तो हम इनक्रोच कहाँ से कर रहे हैं भाई, अगर वो व्यक्ति उनको सिविलाइज नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी, प्रोफेसर असीम ने भी ये बात कही थी, हसनैन जी ने, कि भाई हमें लगता है कि हमारा धर्म सुपर है, हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही बढ़िया है, हमें लगता है कि हम जो समझ रहे हैं वही अच्छा है, जो जानते हैं वही सही है,
हम एक सीकर न हो करके हम एक फर्म बिलीवर हो जाते हैं, एक फॉर्मली जो हम जानते हैं वही सही है, जो हम कर रहे हैं वही सही है, और जो दूसरे कर रहे हैं वो सब का सब गलत है। इससे क्या है, ये कल्चरल सुपीरियरिटी का ट्रेंड आता है। कल्चरल सुपीरियरिटी इन द सेंस ये है कि हम जो हमारा सही है हम सही हैं, बाकी लोग गलत हैं। अब इस सेंस के साथ अगर हम एक ग्रूमिंग करते हैं, एक आगे बढ़ते हैं, तो हमारे मन में इस तरह की चीजें बार 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 हमको कहीं ना कहीं से एक आइसोलेट करती हैं और हमको सेग्रीगेट करती हैं कि हम बाकी लोगों को एक छोटे रूप में लेके चले। तो अब वहां तक तो जब रिलीजियस डेमोक्रेसी थी या धर्म को हम पुराने तरीके से लेके चले, जो कि हमें नहीं लगता कि उसमें कहीं से कंट्राडिक्शन की बात आ सकती है, लेकिन जहां से हम खास करके भारतीय संबंध में हम मानवाधिकार की बात करते हैं, तो हम कॉलोनियल लेगेसी को नहीं छोड़ सकते। ये बहुत बड़ा एक बहस का मुद्दा है कि कॉलोनियल जो रूल हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, उसको भी जानना जरूरी है। चाहे वो स्पेन का, साउथ अमेरिका का रहा हो, अमेरिका का रहा हो, चाहे वो पूरा अफ्रीका का रहा हो, चाहे भारतीय उपमहाद्वीप में भारत का रहा हो, चाहे किसी भी देश का रहा हो, कुछ लोग जो है वो कहीं से आए और भारत पर, हम भारतीय संदर्भ में भी बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, भारत में आए और उनको लगा कि भारत के लोग जो उनका रहन सहन ट्राइबल मतलब आदिवासी टाइप का है, उनका खाना गलत है, उनकी सोच गलत है, उनके कपड़े गलत हैं, तो उनको सुधारा जाए, उनको ठीक किया जाए। इस सोच के साथ जब लोग आए और उनको लगा कि ये करेक्ट नहीं है, इनको करेक्ट करने की जरूरत है, ये करेक्टेडनेस से जो संघर्ष हुआ, जो लिगेसी बनी या उसमें जो स्ट्रक्चर बना, उस स्ट्रक्चर ने इतने छोटे छोटे क्यूब बना डाले, इतनी जातियां, इतनी चीजें, इतनी तरह की कुप्रथाएं उसमें डाली कि एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर महिलाओं ने टिप्पणी की है, वेदों की टिप्पणी लिखी है, आप गार्गी का, मंधाता का, अपाला का, जितने भी एक महिला विदुषियों की एक लंबी श्रृंखला है, उस श्रृंखला में अगर आप जैसे देखेंगे तो आपको मिलेगा कि एक अच्छा खासा बहस है उसमें, उनका अच्छा खासा इंटरवेंशन है। हमको टाइम तो हमारा चल रहा है ठीक से अभी, तो उसमें मानवाधिकार या महिलाओं के अधिकार की बात, जैसे मनुस्मृति में भी आया है कि एक लड़की को अधिकार है कि वो शादी करे ना करे, या उसका अपना डिसीजन है, लेकिन उसको पिता के संपत्ति से हिस्सा मिलेगा, अब मिलने की बात है, उसका पूरा शेयर है, मुझे ठीक से अभी याद नहीं है कि कितना है कैसे है, उसको अलग से जाना पड़ेगा उसमें। तो मानवाधिकार की जब बात आई तो जो कॉलोनाइजेशन हुआ वो पूरी तरह से मानवाधिकार के ही खिलाफ, या जो हम आधुनिक आधुनिक तरीके से जो धर्मों का व्यापारीकरण, जैसे हम लोगों ने करना शुरू किया, विज्ञापन देना शुरू किया कि भाई ये धर्म है। अब आप चले जाइए, आप गूगल में आइए, आपको तमाम धर्म के विज्ञापन मिलने लगेंगे कि ये किताब पढ़िए, ये किताब सही है, इससे आपको रास्ता बनता है, इससे आपको यहाँ जाने का रास्ता मिलता है, कोई स्वर्ग जाने का है, कहीं नरक जाने का है। तो आप जब यहाँ से हम धर्मों को पैकेजिंग करना शुरू किए, उसकी मार्केटिंग करना शुरू किए, तो हमें लगता है कि मानवाधिकार का चरण वहां से शुरू हुआ। कॉलोनियल टाइम में वो ज्यादा ही डेट्रीमेंटल हो गया, ज्यादा ही डिसेस्ट्रस हो गया, और उसके रिपरकशन ज्यादा ही खतरनाक पड़ने लगे, क्योंकि मैंने उन जगहों को देखा है, मैं तो अफ्रीका में 15 साल से घूम रहा हूँ, उन जगहों पर मैंने देखा है जहाँ गया हूँ कि जहाँ पर आदमियों को श्रमिक के रूप में बेचा जाता था बाजार लगा के विधिवत, चाहे वो साउथ अफ्रीका में आप चले जाइए, प्रिटोरिया में चले जाइए, मलावी में चले जाइए, या कहीं भी आप चले जाइए अफ्रीका के और बाकी हिस्सों में आप चले जाइए, कि जहाँ की कलर के नाम पर, केवल काला होने के नाम पर व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझा गया। और भारत में एक नैरेटिव चला कुछ, अब नहीं समझ पाता हूं कि कहां से है ये, कि कलर के ब्राह्मणों का कलर गोरा होता है या हाई उच्च जातियों का कलर गोरा होता है। आप चले जाइए साउथ इंडिया में, हमें लगता है कि वहां पर कलर के आधार पर ब्राह्मण की सत्ता नहीं है वहां पर, या कहीं भी नहीं है, आप कहीं भी मिल जाएंगे, वो कलर नहीं है। या जैसे रेसिस्ट टाइप की बात आती है, तो रेसिस्ट टाइप का हमारे यहाँ कंट्रडिक्शन ही नहीं था। आप जैसे कि मान लीजिए, और दूसरी बात करें तो जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि जो पैकेजिंग ब्रांडिंग जो हुई चीजों की, पैकेजिंग ब्रांडिंग में कंपटीशन होता ही होता है कि हम ज्यादा वो ज्यादा, उनका बिकेगा हमारा बिकेगा, कम्पीट करेंगे मार्केट में, तो हम एक दूसरे को सुपरसीड करने के लिए हम चीजों को अपने हिसाब से करने लगेंगे। इससे हमको लगता है कि ज्यादा समस्या है। पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अगर आप देखेंगे
तो एकदम जो है आपको मिलेगा कि वहां पर पूरा का पूरा मामला जो है जियोपॉलिटिकल था, पूरा का पूरा हिस्सा वहां का जियोपॉलिटिकल। आज भी जो है अफ्रीका अगर अशांत है तो अशांत अपने से नहीं है, वो उसको अशांत किया जा रहा है कहीं से, बाहर की कोई चीजें हैं जो कि कर रही हैं। मैं तो ज्यादा चीजों को आप खुद समझ सकते हैं अखबारों से, न्यूज पेपरों के माध्यम से, कि आप जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं कांगो का, आप ले लीजिए। कांगो एक बहुत ऐसा देश है कि जहां पर रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा रिसोर्स है। अगर कांगो से मिनरल की सप्लाई बंद हो जाए तो हमको लगता है कि पूरी दुनिया का कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा, वो हम चिप्स नहीं बना पाएंगे, बाजार को सब कुछ बंद कर देना पड़ेगा। लेकिन कांगो दुनिया के गरीब देशों में से आता है। आप चले जाइए पूरी अफ्रीका में रिसोर्स के बारे में, मलावी में मैंने देखा कि मूंगफली का साइज इतना बड़ा बड़ा, तंबाकू का पत्ता इतना बड़ा बड़ा, और पूरा का पूरा जो है जिम्बाब्वे या मोजम्बिक या अफ्रीका के तंबाकू से पूरा बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हुई। साउथ अफ्रीका को आप ले लीजिए, आज के भी डेट में अगर देखा जाए तो हमको लगता है कि दुनिया का पांचवा सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है वो। और लेकिन अगर आप जैसे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे, मानवाधिकार पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमको कहना जरूरी है कि मैं वहां पर न्यूकासल में रहता था साउथ अफ्रीका में। न्यूकासल से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह था मदादेनी। उस जगह में आप चले जाइए जो कि भारत के किसी भी स्लम एरिया से कम नहीं है, वैसा ही है। लेकिन जहां मैं रहता था न्यूकासल में, आप न्यूकासल को कभी गूगल पर डाल के सर्च कीजिएगा, उतना नीट और क्लीन और ह्यूमन टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्किल का जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, चाहे सफाई हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे रोड हो, चाहे चीजों को एक ऑर्गेनाइज करने का है, वन ऑफ द बेस्ट टाउन इन द वर्ल्ड न्यूकासल, कि जहां पर दुनिया की सारी सुविधाएं हैं। मतलब वहां पर एक मर्सिडीज से लेकर के दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों का शोरूम है सबको मैंने देखा, महिंद्रा टाटा सब कुछ है। लेकिन वहीं से 50 किलोमीटर दूर बाद आप मदादेनी में चले जाइए तो वहां आपको किसी भी जैसे टीन के घर ऐसे ही मिलेगा जैसे कि स्लम होता है। तो मेरा ये कहने का है कि अब कॉलोनियल लेगेसी को हम झुठला नहीं सकते मानवाधिकार को डेनिग्रेट करने में। और दूसरी चीज जो आती है वो बड़े गौर करने की चीज है, दूसरे को करेक्ट करना कि हमारी सभ्यता सही है, हमारी सिविलाइजेशन सही है, बाकी चीजें गलत है। ये बहुत बड़ा नुकसान दिया इसने, बहुत बड़ा ये समाज को पीछे ले जाने का काम किया इसने। और जो बातें आती हैं मानवाधिकार की, बात कहाँ से आती है? घर से आती है। अगर हम घर पर बच्चे का ले लें या पति पत्नी का ले लें या बाकी चीजों का ले लें, जैसे पति पत्नी का हम बात करते हैं, उसके बाद बच्चे की शुरुआत होती है। पति पत्नी का उम्र जैसा कि मैं देखता हूं कि सब जगहों पर, भारत में तो संविधान तरीके से दिया हुआ है कि भाई 18 साल और 21 साल, 18 साल की कोई लड़की है तो वयस्क मानी जाती है, वो शादी के लायक होती है। कहीं कहीं आप ये देखेंगे कि कहीं कहीं किसी किसी सभ्यताओं में, खास करके जैसे आप इस्लाम में जाएंगे तो मैरिज का कोई एज ही नहीं है उसमें, कि उसका कोई एज फिक्स ही नहीं किया गया। अगर हम धार्मिक तरीके की बात करें कि हम धर्म जो है ये बताया गया कि पूरी दुनिया को ईश्वर ने बनाया, और ईश्वर ने बनाया तो ईश्वर ने कानून का उसका संविधान दिया कि इसको दुनिया को ऐसे ही चलाना चाहिए। अब जब उन्होंने जो संविधान दिया, अगर उस संविधान को अगर हम मानने लगेंगे तो आप समझ सकते हैं कि समाज का क्या हालत होगा, क्योंकि उसमें उम्र का कोई वही नहीं मिलता। बराबरी की तो बात छोड़िए, अभी भी हमको भारतीय संविधान से भी मैं ये कहना चाहता हूँ या बाकी लोगों को अपने चीजों से मैं बताना चाहता हूँ कि मैरिज का जो उम्र है दोनों का बराबर क्यों नहीं होना चाहिए भाई, क्यों कम और क्यों ज्यादा होना चाहिए? मानवाधिकार की अगर हम बात करें, हेलो, हाँ सर, टाइम तो है, तो इन चीजों पर हमको सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि धर्म के नाम पर जितने भी, जैसे जोहन गाल्टुंग की मैं बात करूंगा, उन्होंने सर प्लीज आप लोग हमको हिंट कर दीजिएगा कि हमको अपना कब करना है, हमको 40 मिनट होने जा रहा है जैसे लगता है, 10 मिनट मैं अपनी बात 5-7 मिनट में और खत्म कर दूंगा। जोहन गाल्टुंग ने स्ट्रक्चरल वायलेंस और कल्चरल वायलेंस की बात की है, कि कल्चरल वायलेंस जो है कल्चर के नाम पर जो जिस तरीके से वायलेंस किया जाता है, और स्ट्रक्चर के नाम से अमीरी है, गरीबी है, धन है, अमीर है, कौन क्या है, ये चीजें जो है वो डिसाइड की जाती हैं कि जैसे मान लीजिए कि बच्चे का
हम अधिकार की बात करेंगे तो मानव अधिकार की बात करेंगे तो हम बचपन से करेंगे, छोटे से करेंगे, बच्चे से लेकर के औरतों से लेकर के वयस्कों से लेकर के सारे लोगों की बात करेंगे, बुढ़ों के अधिकार की बात करेंगे। जैसे कि प्रोफेसर हसनैन जी ने कहा कि भाई ये गे, लेस्बियन, क्वियर और स्ट्रेट और ट्रांसजेंडर, इनकी तो बात अभी बहुत देशों में कहीं हो सुनी ही नहीं जा रही है। उन्होंने बताया कि अमेरिका में महिलाओं को वोट देने की बात तो अभी हाल में की गई है, अभी तो कहीं कहीं महिलाओं की स्थिति क्या है कि आप 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 अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कि ये मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो काफ़ी मतलब हर तरीके के सिविलाइजेशंस में मेरा वो रहा है, रहने का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो महिलाओं को अब जैसे कि क्या है कि कहीं पर उनको एक डेकोरेशन की तरह से, लग्जरी की तरह से, एक कंज्यूमेबल आइटम मैं कह सकता हूँ, सॉरी अगर मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा इस तरह का हो रहा है, एक उस कंज्यूमेबल चीज के रूप में देखा जा रहा था, कहीं अभी भी देखा जाता है उसको किसी किसी जगहों पर। तो जब तक हम ये कंज्यूमर या मार्केट या ब्रांडिंग या मार्केटिंग, इन चीजों को हम सभ्यता से अलग नहीं करेंगे, तब तक हमें नहीं लगता कि मानवाधिकार की बात हमारे समझ में आएगी या उसका कोई मतलब निकलेगा। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये खास करके काफी प्रतियोगिता पैदा करती हैं मानवाधिकार के सामने, रोड़ा पैदा करती हैं। और चाहे वो भारत का हो, अब जैसे बच्चे का है, अब बच्चे की मैं बात करूं तो पति पत्नी का तो मान लीजिए कि हस्बैंड और वाइफ मिलते हैं तो वो तो मतलब कहीं एज निर्धारित है, कहीं एज नहीं निर्धारित है, कहीं हिंदुओं में भी बहुत ज़्यादा ये डाउरी को, लेकिन ये डाउरी और ये जो वेल सिस्टम है, ये पर्दा प्रथा है, ये कहीं कहीं से इसका रूटिंग जो है कॉलोनियल सिस्टम से ही हमें समझ में आता है कि कहीं कहीं से इस पर है, इस पर इन्वेजन से प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि जैसे बाल विवाह है। अब जहाँ पर विवाह की, महिलाओं के विवाह की कोई एज निर्धारित ही नहीं है, तो वहाँ तो भाई यहाँ पर कोई 15 साल की या 12 साल की लड़की है तो वो तो 16 साल की है तो वो तो मैरिज के लायक तो है। तो ये तो कहीं आप जाएंगे डिटेल में तो इस पर आपको मिलेगा भारतीय समस्याओं का जो कारण रहा है कहीं कहीं से। हालांकि इस पर अच्छी बात यह है कि भारत में जहाँ इस तरीके की बातें हुई हैं वहाँ पर तमाम सुधारवादी आंदोलन भी चले हैं, तमाम सुधारों की बात की गई, चाहे राजा राम मोहन राय हों, चाहे वो महाराष्ट्र में आंदोलन किए गए, चाहे वो पूरे बंगाल में शुरू किया गया, और पूरे भारत में चाहे वो सिखिज्म के रूप में नाना जो है गुरु नानक देव जी का जो एक रिफॉर्मेशन चला, तो एक बड़ा ही एक ऐसा है कि वो यहाँ पर उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसके खिलाफ आवाज उठी, उसको ठीक करने की कोशिशें हुई हैं। और अभी भी जैसे मान लीजिए कि जातियों का जहाँ तक संबंध आ रहा है और मानवाधिकार की बात आ रही है, तो मानवाधिकार के लिए हमको क्या है कि हमको फिर से उसी डेफिनेशन को देखना पड़ेगा जो कि यजुर्वेद ऋग्वेद का मैंने दिया था उदाहरण, कि हम फ्रेंडली रिलेशन बनाएं, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे वो ज्यूज हो, चाहे किसी भी रिलीजन से है, कहीं किसी के तरीके से आ रहा है वो, तो वो उसके साथ हमारा फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए। और जैसे स्कवेंजिंग की हम बात करते हैं, जैसे कि ब्राह्मण जाति की बात आती है, जातियों पर आती है, बड़ी बात आती है, तो अगर लगता है कि जो भारत में करेक्शन करने का जो सबसे बड़ा जो आंदोलन शुरू किया गया संविधान में, भारतीय संविधान में, जो बाबा साहब अंबेडकर ने किया, प्रोविजन किया कि भाई हम अगर किसी को शोषित किए हैं हमारे समाज के द्वारा, किसी उच्च वर्ग के द्वारा किया गया, तो उसको करेक्ट भी करने की कोशिश की संविधान में, वो आरक्षण देकर के कि भाई उस व्यक्ति को दबाया गया इसलिए उसको आरक्षण मिलना चाहिए, ये करेक्टिव मेजर भी किए गए। अब उसके बाद बच्चों का भी ले लीजिए, जैसे बच्चों का भी राइट होता है, आप कनाडा में या यूरोप में, आप काफी जगहों पर उसके प्रति काफी अवेयरनेस आ रही है। हम बचपन में ही बच्चे का धर्म डिसाइड कर देते हैं और उसका थोड़ा टाइप कर दें आप, बताएं हमको। चलिए, तो हम ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मानवाधिकार का बहुत ज्यादा दिक्कत है और बहुत खतरा है, और कई कई तरीके से हमको उसको समझने की जरूरत है, हमको उसको फ्रेंडली रूप में लेने की जरूरत है। चाहे वो ग्लोबलाइजेशन बढ़ने के साथ भी एक बड़ी बहस चली है कि मल्टीनेशनल कंपनीज का हो, चाहे बाकी लोगों का हो, वो कैसे उस पर असर डालती हैं, कैसे समाज को प्रभावित कर रही हैं, इससे गरीबी बढ़ेगी, अमीरी बढ़ेगी, हर व्यक्ति का
एक अपना एक पर्सपेक्टिव है जिसको हमें लगता है कि उसमें करेक्टिव करने की करेक्शन करने की जरूरत है। और मानव अधिकार निश्चित रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार है। अगर हम किसी भी तरीके से किसी भी भाग में अगर हम किसी को शोषित करने की कोशिश करते हैं, जानबूझ करके इंटेंशनली हम खड़ा होते हैं, तो वो उचित नहीं है। वो सर्वाधिक रूप से वो हमको लगता है कि वो डिसास्टर की तरफ ही ले जाएगा, एक कैटास्ट्रोफी ही साबित होगा। इससे ज्यादा हम उसमें कुछ नहीं करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद सर। आपने भारतीय समाज में मानवाधिकार के संदर्भ में भारतीय धर्म ग्रंथों का उल्लेख कर इसके विविध पक्षों को उजागर किया। जाति शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में आपके संक्षिप्त विचार हमें एक नई समझ, नई विचार दृष्टि प्रदान करते हैं। मैं आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कभी मार्वांचल में आए तो हमें आपका स्वागत कर बहुत प्रसन्नता होगी। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं इसके पश्चात ये बताना चाहता हूं कि यह वेबिनार मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के सहयोग और उनके सानिध्य से आयोजित है। मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष श्री महेश जी शुक्ला को हमारे मध्य उपस्थित होना था, परंतु अखिल भारतीय समाजशास्त्र परिषद के वेबिनार के में व्यस्तता के कारण, चूंकि वो उस वेबिनार की रिसर्च कमेटी दो के कन्वीनर हैं, परिवार विवाह और नातेदारी, इसलिए वो हमारे साथ उपस्थित नहीं हो पाए हैं। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में सहसंयोजक का दायित्व और मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के साथ इस वेबिनार को आयोजित करने के लिए अनुमति प्रदान की। अब मैं हमारे सम्माननीय अतिथि वक्ता प्रोफेसर A.N. शर्मा जी, प्राध्यापक मानव विज्ञान विभाग, डॉक्टर हरि सिंह गौर, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर, मध्य प्रदेश, भारत के परिचय हेतु मेरे महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की बहुत सम्माननीय आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर भारती श्रीवास्तव जी को सादर आमंत्रित करता हूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर अवधेश नारायण शर्मा इज अ रिनाउंड प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। ही हैज बीन द डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक अफेयर्स, डीन ऑफ स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेस, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज इन एंथ्रोपोलॉजी एंड सर्व एज ए कोऑर्डिनेटर एंड चेयरमैन ऑफ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। He has supervised 21 doctoral research scholars. He has completed 6 significant research projects and organized almost 10 national seminars. He has published almost 25 books and over 136 research papers in various national and international journals of great academic repute. He specializes in tribal studies, medical anthropology, and demography. We are honored to have such learned academician with us. Thank you. Thank you, madam. मानवाधिकार और समाज पर हमारी वैचारिक यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। हमारे मध्य एक और बौद्धिक चिंतन को लेकर प्रस्तुत हैं हमारे अगले विशिष्ट वक्ता सम्माननीय डॉक्टर A.N. शर्मा। सर प्लीज। धन्यवाद अनीता जी। सम्माननीय इस वेबिनार के अध्यक्ष डॉक्टर H.L. अनिजवाल जी, इस वेबिनार के कन्वीनर डॉक्टर दिनेश चंद्र खांडेवाल जी, हमारे पूर्व वक्ता डॉक्टर असीन हसन जी, डॉक्टर संजय मिश्रा जी, को कोऑर्डिनेट IQAC
नीता तपन जी और कुशल संचालन करती हुई डॉक्टर नीता तिवारी जी इस वेबिनार को अटेंड करने वाले सभी सुधी पार्टिसिपेंट्स लेडीज एंड जेंटलमैन ये विषय समाज और ह्यूमन राइट जो आज का विषय रखा गया है बहुत ही अच्छा और उम्दा विषय है और मुझे इसके लिए निर्देश दिया गया है कि बोलें। हम सब जानते हैं कि व्यक्ति जो है वो समाज की एक इकाई है और मानव जो है वो एक मैन इज ए सोशल एनिमल, मानव जो है वो एक सामाजिक प्राणी है एंड सोसाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हमारे जीवन का बहुत ही अभिन्न अंग है हमारा समाज और ये समाज हम सब से मिलके बनता है और इस समाज का जो अल्टीमेट गोल है वो है कि सोसाइटी को वो प्रमोट करता है गुड एंड हैप्पी लाइफ फॉर इट्स इंडिविजुअल। तो जो समाज है वो अपने सदस्यों के सुखी और अच्छे जीवन को प्रमोट करने की कोशिश करता है एंड एवरी इंडिविजुअल प्रेफर डिसेंट लाइफ। हर व्यक्ति समाज का हर व्यक्ति जो है एक डिसेंट एक गरिमापूर्ण एक अच्छा जीवन जीने का चाहता है और इसे फुलफिल करता है हमारे ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट इज नेसेसरी टू लिव हैप्पी लाइफ। जो मानव अधिकार है वो एक अच्छा और खुशहाल जीवन जीने को हमें प्रेरित करते हैं और उनका मौका उपलब्ध कराते हैं और ह्यूमन राइट प्रोटेक्टेड फॉर पीसफुल एग्जिस्टेंस, हमारे जो शांतिपूर्ण हमारा जो एग्जिस्टेंस है इसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ये सारी बातें बता चुके हैं और ह्यूमन राइट ये भी हमें इंडिकेट करता है या ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश लिव इन सोसाइटी विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ हम कैसे कैसे रहें कैसे व्यवहार रहें और इसीलिए बहुत सारे ह्यूमन राइट्स हमारे लिए हमारे सबके लिए बनाए गए हैं। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू डिग्निटी, फ्रीडम फॉर सर्वरी एंड टॉर्चर, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, शेल्टर फूड क्लॉथ एंड सिक्योरिटी। तो द गोल ऑफ ह्यूमन राइट आर पीसफुल डिग्निटी एंड इक्वलिटी। जो हमारा गोल है जो हमारा लक्ष्य है ह्यूमन राइट का वो हम सब जानते हैं शांति गरिमापूर्ण और समानता का जीवन। और ये जो समाज है और समाज की जो इकाई है यानी हम सब इंडिविजुअल सभी मानव उनके कुछ एसेंशियल ऑफ लाइफ है। हर व्यक्ति को जीवन के लिए कुछ आवश्यक चीजें हैं जो चाहिए हैं और वो ह्यूमन राइट उसकी वकालत करता है। ह्यूमन राइट उनको आपकी सुनिश्चितता के लिए बात करता है कि आप और वो एसेंशियल ऑफ लाइफ क्या है। सबसे पहली चीज है फूड या न्यूट्रिशन, कोई भूखा ना रहे, हंगर इंडेक्स में हम कहाँ पे हैं और कैसे हम उसको कवर कर सकते हैं, कोई होमलेस ना हो, शेल्टर या होम ये एसेंशियल लाइफ का है, सभी को रोटी कपड़ा और मकान क्लोथ्स मिले, सभी का जीवन सिक्योर हो सेफ हो। ये सिक्योरिटी जो है वो या सेफ्टी जो है वो चाहे वो पर्सनल सिक्योरिटी हो चाहे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो चाहे हेल्थ हो या वेलबींग हो और सभी सभी चाहते हैं कि जीवन में सर्टेनिटी या स्टेबिलिटी हो। ये सारे एसेंशियल्स हैं, प्रैक्टिकबिलिटी हो, व्यवहारिकता हो, स्वस्थ सभी स्वस्थ हो और स्पेशली जब हम वीमेन की बात करते हैं क्योंकि हम वीमेन के कॉलेज में ही अपना काम अपनी बात कर रहे हैं तो चाहे वो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रैक्टिस हो ये सारे ऐसे हो कि सभी सुखी हो सभी स्वस्थ हो और सभी को कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, हालांकि अभी भी बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ ठीक से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाई है, एस्थेटिक इन्वायरमेंट हो, सौंदर्यपूर्ण हमारा जीवन के लिए पर्यावरण हो, स्वस्थ पर्यावरण हो, स्वस्थ इंटरटेनमेंट हो,
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, आत्म अभिव्यक्ति हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से हमारा तात्पर्य सेक्सुअलाइजेशन इज द स्टेज ऑकर्स व्हेन ए पर्सन इज एबल टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ देयर टैलेंट व्हाइल स्टिल बीइंग माइंडफुल ऑफ देयर लिमिटेशन, यानी जिसकी जो भी टैलेंट है, हर व्यक्ति को टैलेंट को अभिव्यक्त करने का और उसके हिसाब से उसको मौका मिलना चाहिए, चाहे कोई भी लिमिटेशन हो या कुछ भी हो। तो ये जो ह्यूमन राइट्स हैं, ये हमेशा प्रभावित होते हैं, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे सोशल इकोनॉमिक बैरियर्स हो। समाज बड़ा अजीब है और व्यक्ति बड़ा सेंसिटिव है। हम आजकल क्लाइमेटिक चेंज की बात कर रहे हैं, तो जब क्लाइमेट चेंज होता है तो हमारे पास हमारा जो क्लाइमेट क्राइसिस शुरू हो जाता है, जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है पूरे ग्लोब का, दुनिया का, और उससे जगह जगह जो है हमें ड्रॉट्स सूखा पड़ना देखने को मिलता है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं सी लेवल ऊपर हो जाता है, कहीं हीट वेव्स, कहीं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिलते हैं, और कहीं हमें बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखने को मिलता है और इकोसिस्टम कोलैप्स। इससे जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं हमारे समाज में वो इंडिजिनस पीपल हैं, जो गांव देहात और जंगलों में निवास करते हैं, वीमेन और चिल्ड्रन हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ सीधा सीधा प्रभावित होती है इवन क्लाइमेटिक चेंज से, क्योंकि उनका राइट टू लाइफ हैम्पर होता है, थ्रेटन होता है, उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन हैम्पर होता है, राइट टू डेवलपमेंट हैम्पर होता है, क्योंकि वो सूखा और इसकी वजह से गरीबी और उसमें आ जाते हैं, राइट टू हेल्थ हैम्पर होता है क्योंकि उनका हेल्थ इफेक्ट हो जाता है, राइट टू फूड इफेक्ट होता है क्योंकि उनके स्क्रेसिटी खाने की विकसित हो जाती है देखने को मिलती है, राइट टू वाटर एंड सैनिटेशन क्योंकि बाढ़ आते हैं इस तरह की चीजें आती हैं, तो सैनिटेशन और पानी की कितनी दिक्कत, आप लोग देखते होंगे जब भी कोई जहाँ पे फ्लड एरियाज होते हैं, और हर साल हम लोग टीवी पे देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह की मारामारी शुरू हो जाती है, और जब अर्थक्वेक और इस तरह की चीजें आती हैं तो राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, और कल्चर इम्बैलेंस होने लगता है तो हमारा कल्चरल राइट भी इफेक्ट होता है। तो ये जो ह्यूमन राइट है, ये बड़ी बड़ी मजेदार चीज है, बड़ी अजीब चीज है। जो माइग्रेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल डिस्प्लेस लोग हैं, जो पर्संस हैं, जो डिसेबल्ड हैं, उन सबको हमारा इवन क्लाइमेटिक चेंज से जो प्रभाव हो रहे हैं उनसे भी फर्क पड़ता है। और न सिर्फ पर्यावरण से, ये जो ह्यूमन राइट है, समाज में बहुत सारी सोशल इवेंट्स हैं, बहुत सारे सामाजिक असमानता हैं, उनकी वजह से भी हमारे ह्यूमन राइट्स कहीं ना कहीं थ्रेटेंड होते देखने को मिलते हैं, और इसके लिए जरूरी है कि हम ह्यूमन राइट्स को बनाए रखें और जीवन को सुखी और खुशहाल रखें। मेरे हिसाब से जो पहला थ्रेटिंग है वो डिस्क्रिमिनेशन है। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो भेदभाव है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये ह्यूमन राइट को सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से करता है। वो डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो कास्ट सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हो। हमारे पूर्वक्ता बहुत अच्छी तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात बता चुके हैं कि कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, लड़के और लड़की में अंतर होता है, उनके उनके खान पान में शुरू से अंतर, बहुत सारी जगहों पे जहाँ एजुकेशन कम है या कल्चर, उनके एजुकेशन में, उनके लालन पालन में। तो ये जो सारे, ये जो पहला, जो समाज में हमें जो पहली रुकावट देखने को मिलती है ह्यूमन राइट्स में, जो बाधाएं देखने को मिलती हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन है। वो किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो, हमारे इसके पहले बहुत अच्छे मिश्रा जी पूर्वक्ता सामने बहुत अच्छी तरीके से बताया था, कास्ट सिस्टम, बिल्कुल सही बात है कि कुछ और निम्न की ये जो धारणा और छुआछूत और इस तरह की चीजें हैं, ये हमें कास्ट सिस्टम में देखने को मिलती हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स, और विद इन ए सेक्शन ऑफ कास्ट हमें ये देखने को मिलता है। मुझे एक
मुझे एक कलेक्टर, एक आईएएस थे, उनका टीवी में एक इंटरव्यू देखने को मिला था। वो बाई 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 अनफॉर्चुनेटली वो उनका कहना था कि वो शेड्यूल कास्ट हैं, और जब वो प्रमोट हो रहे थे, जब वो अपने ऑफिस में काम करते थे, तो उनका जो चापर के लिए अलग से ग्लास रखते था, जब वो पानी मांगते थे तो उसी ग्लास में देते थे, बाकी को दूसरे ग्लास में। तो ये डिस्क्रिमिनेशन इस रिलीजन को लेके या रेस को लेके या गरीबी और अमीरी को लेके, तो ये हमारे समाज में हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं थ्रेटन होते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। दूसरा, हमारे हिसाब से जो सोशल इविल है जो हमारे समाज में, खासतौर पर भारतीय समाज में, जो ह्यूमन राइट्स को थ्रेटन करता है, वो एक्सप्लाइटेशन। ये एक्सप्लाइटेशन लोअर स्टेटा का अपर स्टेटा से, लेबर का इकोनॉमिक एक्सप्लाइटेशन है, इवन ऑफिसेज में ऑफिशियल एक्सप्लाइटेशन है, कितने तरह के एक्सप्लाइटेशन है ये आप सब जानते हैं। तो ये भी, ये एक्सप्लाइटेशन जो है वो किसी भी तरह का, चाहे हम उसे मजदूरी कम दें या हम उसे व्यवहार खराब करें या व्यवहार अच्छा ना रखें और मिसट्रीट करें, तो ये भी हमारे ह्यूमन राइट्स को सीधा सीधा समाज में थ्रेटन करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे हिसाब से करप्शन। ये जो करप्शन है ये पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को और उनके ह्यूमन राइट्स को बुरी तरह प्रभावित करता है, क्योंकि फाइनेंशियली आप वेल टू डू नहीं भी हैं तो आपको वो करप्शन में पैसा देना है, आपको ह्यूमिलेट होना है। अगर आपका अपराध नहीं भी है और अगर आप अपनी बात लेके जाते हैं कहीं पर शिकायत करने, तो ह्यूमिलेट होते हैं। तो ये जो करप्शन है ये भी एक बड़ा हमारे हिसाब से ह्यूमन राइट्स को थ्रेटन करता है। तो अभी मैं उन चीजों की चर्चा करता हूँ, समाज में क्या क्या ह्यूमन राइट्स को थ्रेटन करते हैं। नेक्स्ट है वायलेंस। इसके पहले डोमेस्टिक वायलेंस की बात आप सुन चुके हैं, किसी भी तरह का वायलेंस हो, स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस अगर ये है तो ये भी ह्यूमन राइट को इस पे हमें साफ साफ देखने को मिलता है। इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, आज के समय में हमें इतनी ज्यादा असहिष्णुता देखने को मिलती है कि हम देखते हैं कि जरा से विचार व्यक्त करने पर लोग क्या क्या और कैसे कैसे बोलते हैं और किस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो हमारे ह्यूमन राइट्स के बीच में समाज में बाधा उत्पन्न करता है कि कैसे हम ह्यूमन राइट्स को प्रॉपरली अवेल कर सकते हैं। और जितने प्रकार के इज्म हैं, चाहे वो रेसिज्म हो, चाहे वो रिलीजिज्म हो, चाहे वो कास्टिज्म हो, चाहे वो रीजनलिज्म हो, चाहे वो लिंग्विस्टिज्म हो, चाहे वो प्रजातिवाद हो, चाहे वो धर्मवाद हो, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे भाषावाद, अगर कोई भी बात अगर हम को स्वीकार करते हैं या मानते हैं या कोई इसको फॉलो करता है, तो वो नेचुरली दूसरे के साथ, एक के साथ जरूरत से ज्यादा फायदा और दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करता है। और जहां भी डिस्क्रिमिनेशन है वहां ह्यूमन राइट्स का क्या हाल है आप सब जानते हैं। और एक और चीज है जो समाज में ह्यूमन राइट को मुझे लगता है बहुत जोरों से कर रही है, वो है कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता। ये सांप्रदायिकता भी एक ऐसा नासूर है जो हमारे ह्यूमन राइट्स को सीधा सीधा प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम मुझे लगता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं, चाइल्ड लेबर है, बॉन्डेड लेबर है, इनकी स्थिति आपको मालूम है। हालांकि इसमें हमारी भारत सरकार का बड़ा योगदान है और इसे हम लोग रिड्यूस करने की या खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी जो है वो जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस है, सर पे मैला ढोने की प्रैक्टिस जैसे बैन किया गया लेकिन अभी भी छोटी मोटी जगहों पे देखने को मिलता है, तो ये भी हमारे हमारे उसमें मुझे लगता है कि ये ह्यूमन राइट्स को हैम्पर करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे हिसाब से डिक्लाइन इन कम्युनिटी लाइफ, सामुदायिक जीवन में कमी, लोग एक दूसरे से जो सोशल लाइफ है, जो हमारी कम्युनिटी लाइफ है, उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। वो अलग फैक्टर है कि बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर हैं, कोई कहता टीवी है, कोई कहता मोबाइल है, कोई
लेकिन हमें जो अल्टीमेट जो हमें देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी लाइफ कम होती जाती है, डाइल्यूट होती जाती है, वीक होती जाती है, उससे भी, क्योंकि पहले मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक के खिलाफ अन्याय हो रहा है तो चार लोग खड़े हो जाते थे, लेकिन अगर आपका पर्स लेके कोई भाग रहा है तो भी कोई दौड़ने वाला नहीं है पीछे। तो ये जो सामुदायिक जीवन में जो कमी आ रही है, ये भी हमारे ह्यूमन राइट्स को थ्रेटन कर रही है सोसाइटी में। और अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है, जो अवसरों की असमानता है, ये भी ह्यूमन राइट्स को डायरेक्टली हैम्पर करके देखने को मिलते हैं। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी या हर्डल ऑफ एजुकेशन टू लोअर कास्ट और फीमेल्स के लिए, वो भी हमारे ह्यूमन राइट्स को हैम्पर करती हैं। और अभिव्यक्ति की आज़ादी, आजकल विशेष तौर पे मैं कोट करना चाहूँगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी में इस देश में कमी आ रही है जो नहीं आनी चाहिए। स्वस्थ, लेकिन उसके लिए जरूरी है स्वस्थ अभिव्यक्ति हो, अस्वस्थ अभिव्यक्ति अगर है तो गलत है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। और उसको, इसमें अगर कमी आती है तो हमारे ह्यूमन राइट्स कैसे प्रोटेक्ट हो पाएंगे। और भी फैक्टर्स हैं, चाइल्ड एब्यूज है, इलिटरेसी है, अज्ञानता है। अज्ञानता तो यह है कि हमारे सेंसस 2011 के हिसाब से 74.4% लोग ही लिटरेट हैं, अर्थात अप्रोक्सीमेट अभी 26% लोग ऐसे हैं इस देश में जो जो निरक्षर हैं, और उनमें भी महिलाएं ज्यादा हैं। महिलाओं में लिटरेसी रेट हमने 2011 में देखा तो 65.46%, लगभग 25% महिलाएं अभी भी, और लगभग 18% पुरुष अभी भी निरक्षर देखने को मिलते हैं। तो हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं उसमें लिटरेसी का बड़ा रोल है। जब तक हम अपने अधिकारों की बात नहीं करेंगे, जब तक हम अपने अपने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं उनकी बात नहीं करेंगे, तो जब तक ह्यूमन राइट्स मिलने मुश्किल है। और ये भी एक लिटरेसी एक रीज़न है जो हमारे समाज में ह्यूमन राइट्स को के बीच में एक बाधा के रूप में देखने को मिलता है। इंडिविजुअल्स है, व्यक्तिवाद है, लालच है, और सबसे बड़ी बात है समाज में गिरते हुए सामाजिक मूल्यों की, डिक्लाइन इन वैल्यूज। ये जो वैल्यूज डे बाय डे हमारी डिक्लाइन कर रही हैं, कमी आ रही है हमारे सामाजिक मूल्यों में, ये भी एक रीज़न है। क्योंकि मुझे लगता है अगर कोई बेईमानी से पैसा कमाता है और कोई ईमानदारी से कमाता है और कहीं चार लोग इकट्ठे होते हैं तो वो किसी शादी में किसी उसमें तो कहते हैं भाई और कितना सफल आदमी, उसने कितने मकान बनाए, कितना बढ़िया मकान बनाया वो तो इस, और ये ईमानदार, ये तो कुछ नहीं। तो ये जो वैल्यूज का में कमी आ रही है, ये भी कहीं ना कहीं इस करप्शन को और दूसरी चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, जिससे कि हमारे हमारे ह्यूमन राइट्स थ्रेटन होते हैं और एक हैप्पी और सामाजिक और खुशहाल सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। तो ये जो मूल्यों में जो कमी है, जो सामाजिक मूल्यों में कमी आ रही है, मेरे हिसाब से तो समाजशास्त्री होने के नाते आप सब भी इसको महसूस करेंगे कि ये महत्वपूर्ण एक फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर है कि डिक्लाइन इन फैमिली, परिवारों की जो उसमें भी कमी आ रही है। हालांकि हमारा भारत तो भी बहुत अच्छा है, हमारे भारत में परिवार एक बार शादी होती है तो लाइफ लॉन्ग वॉन्ट, मतलब जिससे हो जाती है उस लाइफ लॉन्ग ही, भले वो घर में झगड़ा करें लेकिन पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जैसे जैसे परिवार में लोग अलग होते हैं तो कुंठाग्रस्त होते हैं तो सोशल डेवियंस होता है। तो ये डिक्लाइन इन लाइफ भी जो है, जो फैमिली लाइफ है जो, या डिक्लाइन इन फैमिली जो है, ये भी कहीं ना कहीं हमें ह्यूमन राइट्स के बीच में बाधा खड़ी करती देखने को मिलती है। और इकोनॉमिक दृष्टि देखें तो पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, गरीबी, निर्धनता और असमानता जो है, वो बड़ा एक फैक्टर है जो हमारे समाज में हमें दिन प्रतिदिन देखने को मिलता है कि हमारे ह्यूमन राइट्स जो है उससे वो प्रभावित होते हैं। और उसमें अभी भी इंडिया में 97.7 मिलियन लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे, जिन्हें ठीक से खाना, मकान, कपड़ा,
जो चीजें चाहिए वो नहीं है। और अभी 2019 और 20 में कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में लगभग 50 मिलियन लोग और बढ़ गए हैं इस गरीबी। तो ये गरीबी और असमानता भी हमारे समाज में एक ऐसी चीज है जो हमारे ह्यूमन राइट्स को थ्रेटन करती है और उसके बीच में कहीं ना कहीं बड़ी बाधा के रूप में। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, स्वास्थ्य सुविधाओं की जो में कमी आ रही है या जो कमी है, और कमी दो तरह की कमी है, या तो हमारी दूर दराज के क्षेत्रों में हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, और अगर हैं भी तो ऐसी है कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना जाके प्राइवेट डॉक्टर या प्राइवेट नर्सिंग होम में जाना चाहते हैं, क्योंकि 12th तक के स्कूल्स में पूरे भारत में और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहां जहां है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उनकी हालत इस तरह है कि आप समझ सकते हैं कि लोग अपने बच्चों को 12th तक अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोशिश करते हैं ना जाना पड़े और प्राइवेट, क्योंकि उनकी स्थितियां। तो ये जो स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जो कमी आ रही है या जो उनकी उपलब्धता भी कम है, वो भी एक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और वो जो राइट टू हेल्थ है वो कहीं ना कहीं से हैम्पर होता है, और ये भी एक फैक्टर है जो राइट टू हेल्थ को प्रभावित करता है। और मुझे लगता है कि ये ह्यूमन राइट के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हों, ईमानदार हों, और डॉक्टर्स इस तरह के ना हो कि जबरदस्ती पैथोलॉजी कराएं और एक गरीब आदमी को एक आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़े। तो ये स्वास्थ्य सुविधाएं भी हमारे हिसाब से। फिर कुछ सोशल फैक्टर हैं, चाइल्ड मैरिज है, डावरी है, ट्राइबल और रूरल एरियाज में डाइन प्रथा है, ये सारे के सारे, या ओपन डिफिकेशन है, खुले में शौच है, हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर बड़ा काम किया है और बड़ा इसको समाप्त की पूरी कोशिश की है, और डिक्लाइन इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन इन रिलीजियस मैटर, इसमें भी कमी आ रही है कि हमारी जो फ्रीडम है बोलने की, अभिव्यक्ति की, और जो रिलीजियस मैटर्स पे वो भी एक हमारे इसको प्रभावित करते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारी गरीबी है, गरीबी की वजह से फूड प्रॉब्लम है, हंगर है, मालन्यूट्रिशन है, और पोल्यूशन, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं हेल्थ को प्रभावित करता है और राइट टू हेल्थ को इफेक्ट करता है। आप सभी न्यूज़ देखते हैं, पंजाब और हरियाणा में दिल्ली के लिए बड़ी प्रॉब्लम, या दिल्ली में पराली जो जलाई जा रही है, या इस तरह के जो गंदगियां हैं वो पॉल्यूशन को बढ़ावा देती है। और ये जो एस्थेटिक एनवायरनमेंट और अच्छी हेल्थ की बात करते हैं, राइट टू हेल्थ, राइट टू एनवायरनमेंट, राइट टू, तो वो हमारा हैम्पर होता है। तो इस तरीके से जो हमारी लाइफ है, जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, वो अगर इंडियन सेटअप में देखें तो कितने सारे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं हमारे ह्यूमन राइट्स। और जब तक हम इन फैक्टर्स को, जिनकी हमने चर्चा की, इनके अलावा और भी हो सकते हैं, जब तक हम इनको इनके लिए कुछ समुचित कदम नहीं उठाएं तब तक हमारी ह्यूमन राइट संरक्षित होना मुश्किल देखते हैं, और इसलिए ये सारे फैक्टर्स हमारे जरूरी हैं। और अगर हम देखें इन सबको मिला के कि इनके क्या मुख्य कारण है, क्या कॉज ऑफ सोशल इविल है, तो मुझे लगता है अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है, अर्बनाइजेशन है, और लेक ऑफ एजुकेशन या मॉरल एजुकेशन, ये इनकी कमियों की वजह से हम इतनी सारी चीजें बताएंगे वो मुझे लगता है। और हमारे जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम इक्वलिटी की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक डिसएबिलिटीज भी हैं, अनुसूचित जातियों में हम देखते हैं उनके द्वारा भोगी गई सामाजिक निरियोगताएं भी हैं, पढ़ते भी हैं कि लोएस्ट स्टेटस इन द सोसाइटी में किसी एक वर्ग का है, मान लीजिए सोशल डिस्क्रिमिनेशन है क्योंकि वो उस कास्ट को या उस स्टेटा को बिलोंग करते हैं, मकान क्योंकि निवास स्थान संबंधी, क्योंकि गांव में एक अलग एरिया में ही उनको सबके साथ मकान नहीं मिल सकता है, एजुकेशन में उनके साथ एट्रोसिटीज हैं बहुत सारी, चाहे वो व्यवसाय को लेकर हो या ऑक्यूपेशनल बैकवर्डनेस है। तो
ये सारी की सारी खराबियों के रहते हैं, ये सारे सारी असमानताओं के रहते हैं। हमें समाज में ह्यूमन राइट की बात करना, थोड़ा सा जब तक हम इन्हें दूर ना करें तब तक हम पूर्णतः ह्यूमन राइट के काबिल या हमें वो पूरा तरह से मिलना थोड़ा असंभव सा दिखता है। हालांकि इन बुराइयों के लिए राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे ने इनके लिए बहुत संघर्ष किया है, बहुत काम किया है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इनके लिए कुछ करें, और जिन लोगों ने काम किया है, लेकिन हम सब चूंकि शिक्षा जगत से संबंधित हैं तो हम सबको इन कुरीतियों, इन असमानताओं, इन सोशल इविल्स के अगेंस्ट हमेशा काम करना चाहिए। कुछ नहीं हो तो हमें अपने विद्यार्थियों को अवेयर करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो इन सारी चीजों से ऊपर उठ के आ सके। तो ये जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको, दिस ह्यूमन राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय इंटरनेशनल एंड नेशनल लॉज। इनको कोशिश की गई है कि इंटरनेशनल लॉ और नेशनल लॉ से भी, ब्रिटेन में, इन ब्रिटेन ह्यूमन राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय ह्यूमन राइट एक्ट इन 1998, ब्रिटेन में 1998 में इनको प्रोटेक्ट किया गया। इंडिया में, इन इंडिया द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज फाउंडेड इन 1993। भारत में जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो 1993 में हुआ, एस्टेब्लिश हुआ या स्थापित किया गया। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ह्यूमन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स के तौर पे उद्धृत करने की कोशिश की गई, और उसे फंडामेंटल राइट्स को कोशिश किया गया है कि फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में दर्शाया गया है, और ये कोशिश की गई कि हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो कैसे संरक्षित रह सके, कैसे प्रोटेक्टेड रह सके। आर्टिकल 14 और 14 से लेके 18 में हमें राइट टू इक्वलिटी का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ह्यूमन राइट्स को के लिए बैरियर का काम करते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी सुविधा दी है कि उनको दूर करें। तो आर्टिकल 14 to 18, 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी, और इस इक्वलिटी में उन्होंने कहा कोई भी धर्म का आदमी हो, कोई भी रेस का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जेंडर हो, किसी का प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी हो, उसका कोई भी व्यवसाय हो, सभी को एक जैसा समानता देने की कोशिश की गई है। और ये संवैधानिक अधिकार दिया गया है। ह्यूमन राइट तो बाद की चीज है, हमारे संविधान में इसे पहले से इसे अधिकार दिया गया है। और इसमें एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी भी है कि जो जो छुआछूत है उसको भी एबोलिश किया गया है इस आर्टिकल के अंतर्गत। दूसरा दूसरा फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में, सभी को ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड हो सके उसके लिए राइट टू फ्रीडम दिया गया है। राइट टू फ्रीडम हमारे आर्टिकल 19 से 22 तक कॉन्स्टिट्यूशन में, 1900 से लेके 22 तक में उद्धृत है, और इसमें सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सभी को बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। असेंबली, सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं। एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव्स, हम कोई भी एसोसिएशन, यूनियन या कोऑपरेटिव्स फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, और रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, और हम देश के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं। तो ये राइट टू फ्रीडम में हमारे यहाँ, ये हमारा जो फंडामेंटल राइट दे दिया है, ये ह्यूमन राइट तो बाद में है लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत इसे रख दिया गया है। दूसरा, आर्टिकल 23 से 24 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन, किसी तरह का एक्सप्लाइटेशन है उसको एबॉलिश करने के लिए आर्टिकल 23, 24 बनाया गया है, जिसमें किसी भी तरह के लेबर को या चाइल्ड लेबर को हम एक्सप्लाइट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से आर्टिकल 25 एंड 28 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम किसी भी धर्म और धार्मिक क्रियाकलाप में भाग ले सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह से आर्टिकल 29 to 30, 29 और 30 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 29 और 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिए हैं। हम कोई भी कल्चर और कल्चरल एक्टिविटी और एजुकेशन का हमारे अधिकार दिया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट दिए गए हैं उनके इन्फोर्समेंट के लिए आर्टिकल 32 अलग से मेंशन किया गया है। अगर कहीं पर कोई कोताही बरतता है तो हम उन्हें इसके अंतर्गत
ला सकते हैं इस आर्टिकल के तहत, हम उस पे उसको पाने के हकदार हैं। और राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल 21A में दिया गया है, इसे चैप्टर फंडामेंटल राइट के चैप्टर में 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया, और इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को 2009 में फ्री एजुकेशन को इन्फोर्स करने के लिए सभी बच्चों को एजुकेशन मस्ट है, इस राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया गया है। तो ये हमारे हमारे हमारा ये कहना था कि हमारा जो समाज है और हमारा भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो फंडामेंटल राइट्स है, इनके माध्यम से ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है, ये बहुत अच्छी पहल है। इसी तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया है, राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली दिया गया है, हम कोई भी प्रोटेस्ट को हम पीसफुली कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब मैं समाज में एक छोटी सी बात और करना चाहता हूँ कि हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, लेकिन सर कंक्लूड की बात नहीं करते हैं। सर सर कंक्लूड करने का अनुरोध करता हूँ। सर कुछ कह रहे हैं मैडम आप? सर कंक्लूड करने का निवेदन करता हूँ, मैं 2 मिनट में करता हूँ। तो थैंक यू सर। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज की कहीं बात नहीं कर रहे। हालांकि इसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A में दिया गया है कि आप पहले फंडामेंटल ड्यूटीज करिए फिर फंडामेंटल राइट्स की। बात भी सही है, आज कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, लोग ह्यूमन राइट की बात करते हैं, भाई फंडामेंटल क्या ड्यूटीज उसने फुलफिल की। तो जब भी हम फंडामेंटल राइट या ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज को भी फुलफिल करने की बात करना चाहिए। और इस तरह से हमें हैप्पीनेस इंडेक्स में, हमें अगर ह्यूमन राइट्स को हम भली बात फॉलो करते हैं और उनको लागू करते हैं और अपने समाज में अच्छे से उतारते हैं, तो हमारा जो फंडल जो हमारा ह्यूमन राइट का जो हमारा गोल है कि हमारी हैप्पी डिग्निफाई एंड पीसफुल लाइफ हम अवेल कर सकें, उसे हम पूरे और भली बात और अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मेरे विचारों को मैंने शेयर किया और आप लोगों ने शांतिपूर्वक सुना, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इस आयोजन का जब सबसे पहले हमारे मन में विचार आया था, तब हमने आपसे बहुत पहले, लगभग 2 माह पहले आपसे चर्चा की थी, और हमारी तब के अतिथि विद्वान डॉक्टर प्रज्ञा दुबे आपके विद्यार्थी हैं, उनके माध्यम से आपसे चर्चा हुई थी और आपने बड़ी सहर्ष स्वीकृति प्रदान की थी। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, और भविष्य में इसी प्रकार आपका हमें स्नेह प्राप्त होता रहेगा, ऐसा विश्वास है, आपने हमें अनुग्रहित किया, मैं आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब मैं संस्था के प्राचार्य, सम्माननीय प्राचार्य, ऊर्जावान प्राचार्य डॉक्टर एच एल अनिजवाल जी को उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। थैंक यू सर। बद्यांचल समाजशास्त्र सोसाइटी मध्य भारत के सहयोग से मानवाधिकार और समाजशास्त्र विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार, जो कि महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के माध्यम से आयोजित हैं। मैं डॉक्टर दिनेश खंडेलवाल सर को विभागाध्यक्ष और नीता तिवारी मैडम, सरला अखंड, IQAC प्रभारी डॉक्टर नीता तपन, सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सुंदर वेबिनार का आयोजन किया। आज इस वेबिनार में विशेष वक्ता के रूप में हमारे बीच में डॉक्टर हसनन, डॉक्टर संजय मिश्रा, प्रोफेसर AN शर्मा जी द्वारा अभी इसके बाद में उसको बुलाऊंगा, और उससे संबंधित कई विषयों पर आज बहुत ही सुंदर ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए। निश्चित रूप से महाविद्यालय का सारा परिवार और हमारे विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। और बड़े ही, मैं सुन रहा था बहुत देर से, कि तीनों ही वक्ताओं ने बड़े ही सुंदर ढंग से इस विषय को प्रेजेंट किया,
और कई ऐसे मुद्दे थे जो आज की परिस्थितियों में इंगित होते हैं, उनको इंडिकेट किया, उनको बड़े सुंदर ढंग से प्रेषित किया और उनको बड़े ही अच्छे तरीके से रेखांकित किया। मैं पुनः हमारे तीनों वक्ताओं को महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय हमारे विद्यार्थियों के लिए आयोजित वेबिनार के लिए प्रदान किया। और हमारे महाविद्यालय की टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक वेबिनार विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया। निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी इससे लाभान्वित हुए होंगे और कहीं ना कहीं इन तीनों वक्ताओं से प्रेरित भी हुए होंगे। मैं पुनः डॉक्टर खंडेलवाल सर की टीम को बधाई और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपके नेतृत्व में इस संस्था में बहुत शैक्षणिक आयोजन हो रहे हैं जो विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभप्रद है और पूरा समाज और विद्वत जन भी इनसे लाभान्वित हो रहे हैं। आपके नेतृत्व के लिए, आपके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं संस्था के वरिष्ठ प्राध्यापक मेरे सम्माननीय साथी अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हेमंत गहलोत जी को इस वेबिनार के संबंध में रिफ्लेक्शंस के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर हेमंत गहलोत। भाई सर, आपकी आवाज, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेमंत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेमंत भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। मैडम डबल से बोलिए। सर आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। बाहर वापस आएंगे क्या? मैडम बोलना। आदरणीय सर आवाज नहीं आ रही है। आ रही क्या? हेलो। जी सर आ रही है। अच्छा ठीक है, मतलब मेरे लैपटॉप से नहीं आ रही जी। जी पर शायद मोबाइल ने मुझे हेल्प कर दिया कि मैं ज्वाइन कर सकूं। जी थैंक यू सो मच। सॉरी फॉर दिस टेक्निकल ग्लिच। एक्चुअली एट टाइम्स वी आर क्वाइट हेल्पलेस व्हेन technology doesn't support us, but now I think I'm clear. Audible. Audible. Thank you so much. और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूं जो शुरू हुई है हमारे यहाँ, मेरे ख्याल से बहुत ही सार्थक और
वो निश्चित रूप से विचारोत्तेजक था, सूचना परक था, और चूंकि इस सहभागिता की उनको सुनने का सौभाग्य भी एक इसका स्पेशल फीचर रहा। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर असीम हसनैन के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि वो यूएसए से थे और उम्मीद ये थी कि उनका भाषण पूरा का पूरा अंग्रेजी में होगा। तो वैसे मैं अंग्रेजी का प्राध्यापक हूँ, अंग्रेजी समझना भी उतना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन जब बात अपनी मातृभाषा में हो रही होती है तो निश्चित रूप से उसकी संप्रेषणीयता बढ़ जाती है। और ये बड़ा सुखद था कि डॉक्टर असीम हसनैन यूएसए से अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे थे, लेकिन जिस हिंदी सशक्त हिंदी के साथ में उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया वो निश्चित रूप से न सिर्फ तारीफ काबिल है बल्कि अनुकरणीय है। डॉक्टर हसनैन साहब जिस चीज की चर्चा करना चाह रहे थे मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। मानव किसे माना जाए ह्यूमन राइट्स के मामले में, और ये एक ऐसा इश्यू है जिसके बारे में मेरे ख्याल से वो जहां रह रहे हैं दैट इज एक्चुअली अमेरिका, वहां डेफिनेटली शुरुआती दौर से जो उन्होंने पीरियड दिखाया था अपना 1787 का, जहां से फ्रीडम ऑफ अमेरिका स्टार्ट हुआ, वहां से लेकर अभी तक बड़े आश्चर्य की बात है कि इवन टुडे दे हैवंट साइंड द ट्रीटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑन ह्यूमन राइट्स। तो एक्चुअली जो ह्यूमन राइट्स का पूरा इश्यू है ग्लोबली अगर डिस्कस किया जाए तो अपने हेडक्वार्टर से ही इसको मेरे ख्याल से यूएन को स्टार्ट करना होगा, ताकि इसके इम्प्लीकेशंस और इम्प्लीमेंटेशन दोनों के बारे में एक स्मूथ स्ट्रेटेजी डेवलप की जा सके। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी जो कि मैंने, चूंकि अमेरिकन लिटरेचर हमारे भी विषय का हिस्सा है और हम जब डिस्कस करते हैं डेमोक्रेसी को, तो डेमोक्रेसी इंडिया में तो 1948 में आई, लेकिन 1789 से अमेरिका में थी। उसके बावजूद सफ्रोगेट मूवमेंट जो चला अमेरिका में उसकी वजह से 1960 के आसपास अमेरिका में महिलाओं को वोटिंग करने की इजाजत मिली है, और हमारे यहाँ 1947 के बाद जो पहला इलेक्शन 1952 में हुआ होगा उससे तब से लेके आज तक कोई ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा है कि हमारे यहाँ महिलाएं वोट देंगी या नहीं देंगी। प्रजातंत्र के प्रारब्ध से ही हम इस इक्वालिटी को एक्सेप्ट करते चले आ रहे हैं। तो कई मामलों में जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके लिए मेरे ख्याल से भारतीय समाज ने और भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं ने प्रारंभ से ही अपने आप को इक्विप करके रखने की तैयारी कर रखी थी। जेंडर इनइक्वालिटी की बात भी डॉक्टर असीम हसनैन साहब ने करी, और वो एक्चुअली एक हर्डल है ह्यूमन राइट्स के मामले में, लेकिन मेरे ख्याल से उस हर्डल्स के पीछे जितने भी कारण गिनाए जाएं, जो सबसे बड़ा कारण मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है वो है इलिटरेसी या लैक ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी। ये सही बात है कि एजुकेटेड सोसाइटी में भी जेंडर इनइक्वालिटी पाई जाती है, इससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता, लेकिन आई सपोज जैसे जैसे लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा, लेवल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पीड ऑफ एजुकेशन बिकॉज आई सपोज स्पीड हम लोगों ने काफी कुछ कर रखा है, बट एज वी इम्प्रूव द लेवल ऑफ एजुकेशन द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन आई सपोज स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस जेंडर इनइक्वालिटी विल ऑल्सो गो वन डे लाइक स्लेवरी वेंट अवे फ्रॉम दिस सोसाइटी। आई मीन 1787 में जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ तब स्लेव्स को मानवों की तरह नहीं देखा जाता था, उसी कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर असीम हसनैन ने कहा कि महिलाओं को भी मानव की तरह नहीं देखा जाता था क्योंकि उनके लिए भी ह्यूमन राइट्स अलग हुआ करते थे। हालांकि धीरे धीरे सोसाइटी डेवलप हुई, लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ा, स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन बढ़े और अल्टीमेटली ह्यूमन राइट्स का एक दायरा भी बढ़ा। तो आई सपोज दिस इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस थ्रू विच वी कैन हैव ए प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन अ सोसाइटी। हालांकि लिटरेचर हम लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं और उसमें जो सोशल इम्प्लीकेशंस हैं वो एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं किसी भी सोसाइटी को समझने का। तो वी आर एक्चुअली इंटरकनेक्टेड डिसिप्लिन्स दैट वे। कास्ट सिस्टम के बारे में भी डॉक्टर असीम हसनैन के जो ओपिनियंस थे बहुत ही फ्री फ्रैंक और कंटेम्पररी थे,
hats off to his studies, hats off to his presentation. Continuously, non-stop, jo unka presentation tha, wo waqai, that proves that he is a true academician. Followed by Dr. Sanjay Mishra from Ethiopia, and he began his discourse with Rig Veda. Carbon dating wagera se hum 1000 years or 1500 years purana bhi maan le, to I suppose hamari civilization to more than 5000 years, 6000 years ke aspas existence mein thi. और जब सोसाइटी में और सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस था तो मेरे ख्याल से राइट्स और ड्यूटीज के बारे में तब से हमारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डॉक्टर तिवारी ने जो वेबिनार की शुरुआत में कहा था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामः है, तो हम मनुष्य की ही बात नहीं कर रहे हैं, पुरुष और महिला की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सब सर्वे मतलब सब की बात कर रहे हैं. और सब में डॉक्टर संजय मिश्रा का जो कॉन्सेप्ट था कि उसके अंदर प्रकृति भी शामिल है, पेड़ पौधे भी शामिल है, जीव जंतु भी शामिल हैं, उन सब के लिए सब एक समानता का जो भाव है वही ह्यूमन राइट्स की बुनियाद है. और आई सपोज उसके आगे चल के जो उन्होंने मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य के जो उदाहरण दिए उससे उनकी बातों को और पुख्ता किया. गांधी जी का जो उन्होंने पूरी पृथ्वी एक ट्रस्ट है और हर चीज जो उसकी ट्रस्टी है, बहुत ही सुंदर रेफरेंस था. सीकर और डिलीवरर जो है उसमें कल्चरल सुपीरियरिटी के चक्कर में जो सीकर होता है वो डिलीवरर बन जाता है, और यही शायद विद्रोहता है समाज की कि जब मनुष्य सीकर के बजाय डिलीवरर बनेगा तो तकलीफ में आएगा. फाइनली वी एक और कॉन्सेप्ट जिनके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा यहाँ पर, जो संजय मिश्रा जी ने डिस्कस किया भी था, विमेन एज कमोडिटी. आई सपोज लिटरेचर की हम जितनी भी सोशियो इकोनॉमिक सोशियो पॉलिटिकल स्टडीज करते हैं उसमें भी विमेन एज कमोडिटी के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है. बहुत कुछ फिलॉसफी से लेके साइकोलॉजी से होता हुआ लिटरेचर के अंदर फिल्टर होता है और वही सारी चीजें हमारे जो क्रिएशंस हैं, वेदर दे आर इन प्रोज फॉर्म, पोएट्री फॉर्म और फिक्शन फॉर्म, बहुत ही खूबसूरत इसको तरीके से इंटरप्रीट किया गया है. क्योंकि somehow literature is a combination of all these different disciplines that make the very foundation of literature. So women as commodity has unfortunately been the status of this gender in the beginnings of the civilized society. By the way, in uncivilized society there was no discrimination or there was nothing like women as commodity. सोशियोलॉजिकल स्टडीज में अगर आप ध्यान दें तो कई जगहों पर सत्तात्मक जो व्यवस्थाएं हैं आज भी हैं. इवन इफ यू गो टू सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट देयर आर सोसाइटीज विथ नॉट पैटर्नल बट मैटर्नल कंट्रोल ऑन द फैमिली. सो विमेन एज कमोडिटी अनफॉर्चुनेटली रिमेन्ड, एंड वंस अगेन मेरा मानना यह है कि उसकी वजह जो रही होगी वो इलिटरेसी और एजुकेशन के साथ में जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो हैं, और उनके ऊपर धीरे धीरे हम लोगों ने मेरे ख्याल से काम करना एज ए सोसाइटी होल शुरू किया हुआ है. फाइनली द डिस्कोर्स बाय प्रोफेसर एन शर्मा वाज वंडरफुल. ही टॉक्ड अबाउट वेरियस डिमेंशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ही ब्यूटीफुली डिस्कस ऑल द हर्डल्स. आई एक्चुअली मेड अ लिस्ट एंड इट वाज फैंटास्टिक टू लिसन टू हिम. द हर्डल्स दैट अफेक्ट द ह्यूमन राइट्स, डिस्क्रिमिनेशन is the greatest hurdle he talked about in the very beginning, then exploitation, corruption, violence, especially domestic violence, intolerance, all isms. I mean, this was an eye-opener for me that even all isms that exist in society and that exist in the ideologies and ideas of human beings are actually a hurdle in the establishment of human rights in society. Communalism, then unfair labor practices, and then decline in community life. This was wonderful observation, and I suppose hats off to his scholarship, which talked about decline in community life. This is where we are actually, we are supposed to make maximum efforts. I don't blame social media, whether it was TV, in the earlier stages, then Facebook, Insta, and WhatsApp. Whatever be the social media, we are actually moving towards a kind of dilution in community life.
इंटरेक्शन हैज एक्चुअली गॉट लिमिटेड टू दीज प्लेटफॉर्म्स. मुझे नहीं लगता कि ये लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि बहुत पहले आई सपोज 90s में जब मैं अपना रिसर्च वर्क कर रहा था, तब भी ऑनस्लॉट हुआ था इलेक्ट्रॉनिक चीजों का, और तब भी एक भय पैदा किया गया था कि जो रिटर्न वर्ड है वो धीरे धीरे विलुप्त होता जाएगा. पर आई सपोज 30 साल के बाद मुझे लग रहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना कभी होने वाला है कि प्रिंटेड वर्ड जो है वो कहीं जाएगा. तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितना भी अपने आप को डेवलप कर ले, फाइनल जो स्टेटस रहेगा हमारा, जो ट्रेडिशनल पैटर्न है, उसको खतरा कितना भी महसूस कर लिया जाए वो खतरे में होगा कभी नहीं. तो ये जो प्रिंटेड वर्ड है ये कंटिन्यू करेगा, और इसी के साथ में हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी जो वैल्यूज हैं, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं सोसाइटी के, वो भी कंटिन्यू करेंगे. सो आई सपोज देयर इज द नीड टू फोकस ऑन डिक्लाइन इन कम्युनिटी लाइफ. अगर उसमें ये थोड़ा सा हमारा इजाफा हो जाएगा तो ये जितने भी ह्यूमन राइट्स के पैरामीटर्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में ज्यादा समस्या नहीं होगी. फाइनली इनइक्वल अपॉर्चुनिटीज, चाइल्ड अब्यूज, इलिटरेसी, पॉवर्टी आर द फैक्टर्स व्हिच ही टॉक्ड अबाउट इन डिटेल एंड व्हिच ही थॉट एंड राइटली सो दैट दे अफेक्ट द स्प्रेड ऑफ ह्यूमन राइट्स अमंग सोसाइटी. So it was a wonderful marathon of ideas today, and I was really benefited. So must have been all my scholar colleagues who were attending this international seminar. And hats off to the organizers, Dr. Dinesh Khandelwal, head of the sociology department, Dr. Neeta Tiwari, and IQAC chairman, Dr. Neeta Tapan. Hats off to the dynamic leadership of our honorable principal, Dr. Anijwal, and all the scholars and students who were attending this marathon ideological spree. They must have been benefited, as I am. Thank you so much to the organizers for giving me this opportunity, and hats off to your organization. Thank you so much. थैंक यू सर. आपके महत्वपूर्ण उद्बोधन सुनकर हम कृतज्ञ हैं, गौरवान्वित हैं, और विषय के प्रति एक गहरी सोच अति प्रशंसनीय है सर. थैंक यू. एक महत्वपूर्ण निवेदन है, फीडबैक लिंक जो चैट बॉक्स पर उपलब्ध की जा रही है उसे अनिवार्यतः सभी प्रतिभागी भरें ताकि सर्टिफिकेट दिए जा सके. इसी निवेदन के साथ कार्यक्रम के अंत में आभार ज्ञापित करने हेतु आदरणीय डॉक्टर खंडेलवाल सर जी को पुनः आमंत्रित करती हूं. सर प्लीज. मानवाधिकार एवं समाज विषय पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के समापन के इन क्षणों में मैं डॉक्टर असीम हसनन जी, डॉक्टर संजय मिश्रा जी, डॉक्टर ए एन शर्मा जी का आत्मीय आभार व्यक्त करता हूँ. भविष्य में भी आपका सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा ऐसी अपेक्षा है. आप सबकी उपस्थिति और वक्तव्यों से आज का ये आयोजन ही नहीं, आज के दिन का संदर्भ भी सार्थक हुआ है. संस्था के प्राचार्य डॉक्टर एच एल अनिजवाल का आभार व्यक्त करता हूँ, आपके कुशल नेतृत्व में यह आयोजन संभव हो सका है. आभारी हूं. आज के कार्यक्रम में हमारे मित्र डॉक्टर हेमंत गहलोत का, जिनके उद्बोधन से हमारे अतिथि वक्ताओं के उद्बोधन पर एक सार्वगर्भित टिप्पणी होने के साथ आज के विषय पर भी अकादमिक दृष्टि लिए हुए एक विचार उन्होंने प्रस्तुत किया, उन्हें बहुत धन्यवाद. संस्था की आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नीता तपन, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अनीता मच्छंदिया, मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर महेश शुक्ला का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. इस संस्था के समाजशास्त्र विभाग के प्राध्यापक साथी डॉक्टर नीता तिवारी के सफल संचालन के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ. संस्था की पूर्व अतिथि विद्वान डॉक्टर प्रज्ञा दुबे एवं अतिथि विद्वान सुश्री सरला अखंड के सहृदय सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ. इस आयोजन की पूरी रूपरेखा में डॉक्टर प्रज्ञा दुबे ने बहुत सक्रिय भूमिका अदा की. यह संयोग है कि उन्हें अपने निवास स्थान के पास स्थान मिल जाने के कारण, पदस्थापना मिल जाने के कारण वह अब इस संस्था में नहीं है. वह सदैव
हमारी स्मृति में रहेंगी। मैं वेबिनार में उपस्थित सभी सम्माननीय प्राध्यापकों का आभार व्यक्त करता हूँ, आयोजन में सम्मिलित सभी छात्राएं एवं अन्य प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सभी उपस्थित सम्माननीय से अनुरोध करता हूँ कि विभाग एवं संस्था द्वारा आयोजित अन्य वेबिनार एवं सेमिनार में अपना सहयोग हमें प्रदान करते रहें। पुनः पुनः सबका आत्मीय आभार। इसी के साथ यह अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार पूर्णता को प्राप्त होता है। सादर धन्यवाद।